नमस्कार दोस्तों, हम फिर से जुड़े हैं, फिर से आपका राज क्रिकेट फेवर फेसबुक पेज पे दोस्तों स्वागत है। आज हम जुड़े हैं CPL 2023 चिड़ावा से। दोस्तों आज का मेगा फाइनल महाफाइनल मुकाबला PCG चिड़ावा वर्सेज ओस्टू, तो आप मेरे साथ जुड़ जाए दोस्तों। मुकाबला अब स्टार्ट होने वाला है, फील्डिंग लग चुकी है दोस्तों, अंपायर रेडी हैं, गेंदबाज रेडी हैं, दोनों बैट्समैन आ चुके हैं। आप मेरे साथ जुड़ जाए, देखो आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दोनों टीमें तैयार है दोस्तों। PCC चिड़ावा वर्सेज ओस्टू का महाफाइनल मुकाबला, जिसमें आपको स्टार के रूप में नीरज और भाई राहुल सैनी दिखेंगे दोस्तों स्टार के रूप में। तो आप मेरे साथ जुड़ जाए और मुकाबले को शेयर कर दे दोस्तों। CPL 2023 चेयरमैन ओम प्रकाश हजारीलाल सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान चिड़ावा द्वारा आयोजित CPL 2023 जो ग्राउंड है वो है चिड़ावा कॉलेज ग्राउंड है दोस्त चिड़ावा से। महाफाइनल मुकाबला दोस्तों स्टार्ट होने वाला है। अजय स्वामी जुड़ चुके हैं, हेलो दोस्त, स्वागत है आपका भाई, जुड़ जाए दोस्त और मुकाबले को शेयर कर दे आप। साथ में VIP बॉक्स से कमेंट्री भी हो रही है दोस्त, उसका भी मजा उठाइए आप। तो अबे थोड़ी ही देर में मुकाबला स्टार्ट होने वाला है, महाफाइनल मुकाबला है, कुछ टाइम लगेगा दोस्त फील्डिंग सेट करने में। मेरे साथ जुड़ जाए दोस्त और साथ साथ में आप मुकाबले को शेयर भी करते रहे। 1 2 3 ये लीजिए, पहली गेंद आ चुकी है महाफाइनल मुकाबले की और ऑफ साइड में गेंद को धकेला है और कवर के बीच से मिल जाएगा चौका दोस्त, चौके से खाता खोला है भाई ओस्टू की टीम ने यहाँ पर। शानदार चौका इस बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत आप सभी साथियों का, बिल्कुल भाई हम साथ में हैं, मधुप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, ये फाइनल मुकाबला है तो हमारे साथी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि फाइनल मुकाबला बड़ा मुकाबला तो फोटो वगैरह क्लिक करनी पड़ेगी, तो मैं फोटो वगैरह क्लिक करूंगा और भाई आपको हमारे साथी अजीत बिट्टू फोन दिखाएंगे। अजय स्वामी डुमोली राम राम भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला दोस्तों, जो भी साथी हमारे लाइव में जुड़े हैं वो मुकाबले को शेयर कर दें, एक जबरदस्त मुकाबला होगा, ये दोनों ही टीमें बराबर की है और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे गेम को जानते हैं, तो एक जबरदस्त मुकाबला और एक बड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, ये चिड़ावा क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला और कुछ नोक झोंक भी हमें देखने को मिल सकती है। नीरज ओस्टू खेलते हुए नजर आएंगे आपको ओस्टू वर्ल्ड टीम में और राहुल सैनी खेलते हुए नजर आएंगे आपको चिड़ावा की टीम में और उनके साथ में होंगे बिट्टू सोनू कन्ना सहवाग और लील, तो ओस्टू की टीम की तरफ से खेलेंगे नीरज गुड्डू विमलेश विजय और वीरू, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा, आप जुड़े रहें और इस मुकाबले को शेयर जरूर करते रहें। 92 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी साथी एक एक शेयर करें तो बिल्कुल भाई इस मुकाबले को 500 तक पहुंचाया जा सकता है, इस बड़े मुकाबले को आपको शेयर करना पड़ेगा, जो भी साथी चिड़ावा से जुड़े हैं वो जरूर शेयर करें इस बेहतरीन मुकाबले को और देखते रहें अब आगे का हाल हमारे साथी बताएंगे आपको इस मुकाबले का। पहला ओवर प्रगति पे है बिट्टू, धन्यवाद
झुंझुनू से योगी जुड़के मेरे साथ योगी झुंझुनू से बहुत बहुत धन्यवाद योगी भाई आपका जुड़े रहे साथ इस बेहतरीन मुकाबले में। स्कोर बोर्ड लगा दिया गया है, अब आप मुकाबले को शेयर जरूर कर दें। नाइस टू सी बिट्टू भाई जी प्लेइंग अगेन, बिल्कुल चिड़ावा क्षेत्र में खेलते हैं। स्कोर बोर्ड लगा दिया। प्रवीण सिंह राजपूत साउदी अरब से हमारे साथ अजय स्वामी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। अब बॉलिंग लेकर आए हैं, मारना चाहते थे, नेक्स्ट टाइम खेलना चाहते थे, बंटी इसीलिए बोर्ड लगा दिया मित्र भाई। स्क्वायर ऑफ द लेग विकेट बाउंड्री पर बंटी उस विकेट लेकर आए हैं। दूसरा ओवर पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद, अगली गेंद बंटी की इतनी अच्छी बैटिंग देखने को मिली है गुड्डू और सुरेश के द्वारा, सुरेश और गुड्डू के द्वारा। उसके पास नीचे क्रम में बड़े हिटर के रूप में एक पार्टनरशिप करनी होगी तब अच्छा स्कोर खड़ा होगा। राकेश भाई राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। गेंदबाज की बंटी तांबड़े ये गेंद सामना करेगी बल्लेबाज, सीधी पटकी हुई गेंद कुंद्रा मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक इंच संतोष करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी बंटी की, स्कोर अभी भी 9 रन। दूसरे ओवर प्रगति पर आज की घोषणा मैं बता दूं आपको, मारो छक्का आनंद कुमार फैलार राम राम भाई, उमेश सिंह शेषमा राम राम भाई। दूसरा ओवर प्रगति पे है, विक्की डाल रहे हैं, सामना कर रहे हैं वीर, गेंद को लॉन्ग जो मिड ऑफ फार उसके ऊपर से धकेला है, जब तक गेंद फील्ड होगी तब तक एक रन मिल जाएगा दोस्त। इस एक रन के साथ है स्कोर वो पहुंच चुका है अब 10 रन। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहे दोस्त और मुकाबले को शेयर करते रहे आप। बिलाल खान हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई बिलाल। दूसरा ओवर प्रगति पे है, 10 रन बने हैं दोस्तों, आप साथ में जुड़े रहे और मुकाबले को भी शेयर करते रहे। इस बार गेंद भाई से टकराई है, कीपर मिस कर बैठे, एक और सिंगल जी, बहुत ही बढ़िया वर्क। ओके थैंक यू भाई विमल, उसका नाम हमेशा अलग चलेगा। महापुरुष में स्वामी विवेकानंद जब नाम आता है तो एक अलग है, तो अलग ही श्रेणी होती है। और मैं श्रेणी के हिसाब से बात करने में विश्वास रखता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी हर बात को मैं। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद रहेगी दोस्तों, गेंदबाज बंटी की सामना करेंगे वीर सिंह। मेरे छोटे भाई अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहे और मुकाबले को शेयर करते रहे दोस्तों। महाफाइनल हाई वोल्टेज महाफाइनल मुकाबला है, काफी शानदार मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें राहुल सैनी नीरज के साथ खेल रही है, जो कि शेखावाटी बोले राजस्थान बोले दोनों के स्टार है। सेवा को राम राम बोल देना मेरा। ओके भाई आनंद कुमार मेला 88 रन होगा। ओके भाई बिलाल खान की प्रेडिक्शन आ चुकी है, बिलाल खान के साथ सिटी साथी लाइव जुड़े हैं, वो भी अपनी प्रिडिक्शन देते रहे। 15-15 ओवरों का ये मैच होगा दोस्त, फाइनल मुकाबला 15-15 का होगा। शानदार तरीके से वेट करते हुए इस फाइनल का आज बिलाल भाई की प्रिडिक्शन तो आ चुकी है। हंसराज फोगाट राम राम भाई राम राम, स्वागत है भाई। 2 ओवरों में 12-6 के रन रेट से खेल रही है अभी ऑल टू की टीम। अच्छी बात ये रहेगी कि अभी तक कोई विकेट का नुकसान नहीं आया ऑल टू का, ये प्लस पॉइंट रहेगा दोस्त। दोस्त फाइनल मुकाबला चल रहा है भाई उमेश सिंह, आज इस सीपीएल 2023 का समापन हो जाएगा दोस्त। आगे निकल कर आए वीर सिंह, हल्के हाथों से धकेला बॉलर थ्रो में, वही गेंद को फील्ड किया। जुड़े रहे और मुकाबले को साथ साथ शेयर करते रहे। शो का स्कोर बता रहे हैं शिवलाल सिंगर, 10 ओवर में नहीं बिलाल खान ने, 15 ओवरों का मैच है भाई, फाइनल मुकाबला है, 10 का नहीं होगा दोस्त, 15-15 ओवरों का होगा। शायद वीर सिंह भाई ने अब कुछ अपना बैट है वो चेंज किया है, कहीं ये बैट चैन कुली मैन कुली वाला बैट तो नहीं है दोस्त। प्रमोद शर्मा जुड़े हमारे साथ आसाम से, उनका भी स्वागत है भाई प्रमोद शर्मा आसाम से। तीसरा ओवर प्रगति पे है, 12 रन लगे हैं बोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कहीं कोई गलती बनेगा,
एक बार फिर से जय बलकारी बता रहे हैं 132 का, प्रवीण सिंह बता रहे हैं 120 प्लस है। बैट का कमाल दिखाओ अब। हाँ भाई शिवलाल सिंगर बैट चेंज किया भाई वीर सिंह ने, तभी तो बता रहा हूँ मैं, चैन कुली मैन कुली वाला बैट ना हो जाए दोस्त। अबे पृथ्वी जांगिड़ का सामना करेंगे सुरेश लेफ्टी जो 8 गेंदों में 8 रनों पे खेल रहे हैं दोस्त। ये लीजिए उछाल भरी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद और भी उछाल पाया और सीधी कीपर के ग्लव्स में। राहुल सैनी को राम राम है राजेश सांखला की ओर से। ओके ब्रदर है धन्यवाद आपका। और फिर से वही टप्पा वही उछाल भाई, क्या कहना तेरा पृथ्वी जांगिड़। काफी कसी हुई गेंदबाजी पीसी चिड़ावा की ओर से दोस्त। राजेश सांखला बोल देंगे भाई आपका राम राम बोल देंगे। आंसू मूड जुड़े हमारे साथ 113 के प्रिडिक्शन दे रहे हैं दोस्तों। इस बार व्हाइट भाई जो गिली होती है वहां पर गेंद डाली, हल्के हाथों से धकेला वहां पर जो मिड ऑफ था उसने फील्ड किया, जब तक कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से इस बार लेग साइड उठाना चाहते थे और यहाँ पर पहले विकेट का पतन भाई सुरेश है, वो लेग साइड में गेंद को उड़ाना चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी मिस हुए और उनका लेग स्टंप ले उड़ी दोस्त। तो पहले विकेट का यहाँ पतन हो चुका है ओस्टू का। भीम गुजर राम राम भाई, स्वागत है भाई भीम आपका भी। तो ओस्टू का पहले विकेट का पतन यहाँ सुरेश के रूप में दोस्त। 3 ओवर की समाप्ति, 13 रन 1 विकेट। विमलेश कुमार आएंगे न्यू बैट्समैन दोस्त। दोस्तों आप जुड़े रहे मुकाबले में और साथ साथ मुकाबले को आप शेयर भी करते रहे। महाफाइनल हाई वोल्टेज CPL 2023 चिड़ावा से लाइव दोस्त। दोस्तों 15 ओवर है जिसमें पावर प्ले का नियम दोस्तों 5 ओवर का रहेगा। हाँ दोस्त अंकित जसरापुर हमारे साथ जुड़े हैं भाई, फाइनल मैच है भाई। भीम गुजर भाई चिड़ावा में महाफाइनल मुकाबला है भाई। भीम राहुल सैनी 9 नंबर जर्सी। अबे विक्की डालेंगे चौथा ओवर अपनी टीम की ओर से, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे दोस्त और सामना करेंगे वीर सिंह। विक्की है वो बंटी के नाम से फेमस है दोस्त। टीम की ओर से चौथा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर, पहले ओवर में रन खर्च किए थे 4 भाई जी। आज पीसीसी की टीम प्लेयर का बर्थडे है, शाम को पार्टी है ये बात। इस बार भाई वीर सिंह ने गेंद को धकेला है वहाँ, थर्ड मैन पे फील्डर है, पकड़े जाएंगे दोस्त। तो लगातार दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर। गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, बैट का एज लगा, गेंद काफी ऊपर गई, थर्ड मैन पे पकड़े गए भाई वीर सिंह। हाँ बढ़िया अंकित, आप बताइए आप कैसे हो भाई। अंकित जसरापुर ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। राम राम विवेक कुमार। तो यहाँ दूसरे विकेट का पतन आ चुका है दोस्त ओस्टू की ओर से वीर सिंह के रूप में 13 रनों पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो भी लाइव में जुड़े हैं। 2 विकेट गवा चुके हैं ओस्टू की टीम, नीरज को बचा के रखा हुआ है। नीरज देखते हुए कब तक आते हैं बैटिंग करने के लिए। राजस्थान के टॉप बॉलर्स में नाम आता है नीरज। टीम में आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे कुछ ही समय के बाद में शायद। अब आए हैं मनदीप विमलेश कुमार जो कि नॉन स्ट्राइक पर हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी। मुकाबले को शेयर जरूर कर दे। लास्ट गटाखेड़ा में सुनी थी विमल, मजा आ गया आपकी कमेंट्री सुन के विमल रोहिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और विकास पायल है मुख्य कमेंट्री में, बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर है, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, चिड़ावा से बिलोंग करते हैं और पहले क्रिकेट भी बहुत जबरदस्त खेलते थे, आजकल कमेंट्री प्रोफेशन बना लिया है।
आज भाई जी नवीन गुरुजी भी आए हैं कि हाँ बिल्कुल नवीन गुरुजी अभी कुछ ही समय में ग्राउंड के अंदर एंटर होंगे, शूज पहनने के लिए गए हुए हैं वो, शायद एंटर कर चुके हैं नवीन गुरुजी, कर चुके हैं भाई ग्राउंड के अंदर है मौजूद, चिड़ावा की टीम में खेलते नजर आएंगे ये नवीन गुरुजी हैं भाई आपके स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं ये भी, काफी पेस के साथ में बॉलिंग करते हैं, कुछ बड़े कारनामे भी हैं इस खिलाड़ी के नाम। राजगढ़ टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त सेमीफाइनल हुआ था, इनकी बदौलत 5 विकेट लिए थे उस मुकाबले में। अमित चौधरी, राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या प्राइस है जीतने वाले को? तो देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने ओस्टू के लिए। प्राइस भाई जीतने वाले को है 25,000 रूपए का भाई। गाढ़ा खेड़े में नहीं था, गाढ़ा खेड़े में हमारे साथी थे आसू भाई, 1,150 रूपए का इनाम भूपेंद्र जी की ओर से। अगली गेंद बैट संभाली हुई गेंद किया सिंगल के सारे खाता खोला विमलेश ने, जीता को इनाम जो है वो है 25,000 रूपए। चौथा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर गए पावर प्ले, 17 रन। आनंद भाई राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जो भी फाइनल चिड़ावा के अंदर हो रहा है भाई, फाइनल मुकाबला है, मेगा फाइनल मुकाबला ओज टू बनाम चिड़ावा के बीच में खेला जा रहा है। चिड़ावा ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का ये फाइनल मुकाबला, मनदीप और विमलेश कुमार। विमलेश के बारे में बात करें तो भाई बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, उनकी अकेडमी के अंदर उसमें कोच है और ओज टू टीम के कप्तान भी है, मैनेज करके रखी हुई है। वहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग मोहित के द्वारा देखने को मिली है, थोड़ा मिस फील्ड हुई थी, डाइव जरूर लगाई थी भाई। 21,000 सॉरी, हाँ भाई यहाँ पर 21,000 है, 25,000 तो बुआना में थी भाई, 21,000 और 11,000 स्कोर बढ़ता हुआ 19। चौथा प्रगति पर 2 विकेट गंवाकर संकट में वस्तु की टीम। अगली गेंद की द्वारा कलेक्ट की गई, स्कोर 20 रन। मुकाबले को शेयर जरूर करें शेख भाई, आप भी शेयर करें मुकाबले को, सभी लोगों तक पहुंचा दें, आप अपने टाइमलाइन पर शेयर करें, अपने दोस्तों से भी करवा दें। बड़ा मुकाबला लाइव दिखा रहे हैं आपको चिड़ावा से। हैट्रिक लगाने के ऊपर गेंदबाज को 1,100 रूपए भूपेंद्र डावते की ओर से, 3 छक्के लगातार लगाने पे 500 रूपए का नगद पुरस्कार भूपेंद्र जी डावते की ओर से। और ओस्टू के प्लेयर अगर छक्के लगाते हैं तो हर छक्के के ऊपर 100 रूपए का इनाम उनके जो वार्ड डेलीगेट है राजकुमार जी। अभी मुकाबले को शेयर जरूर करते हैं साथियों से कि आप भी शेयर करें, आनंद कुमार भाई आप भी शेयर करें मुकाबले को। 248 दर्शक लाइव में जुड़े हमारे साथ, सभी अपनी अपनी टाइमलाइन पर इस मुकाबले को शेयर करते हुए सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा ये, मेगा फाइनल मुकाबला, सहवाग कीपिंग में है, ये कीपिंग के लिए नहीं जाने जाते, बड़े बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग के तौर पर इनको नाम दिया गया, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन करते हैं सहवाग, आज कीपिंग में अपनी सेवा देते हैं। बिट्टू भाई जी हैं अभी बॉलिंग में, पृथ्वी जंगड़ नाम से कानू माली जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कानू भाई। राजा बाबू भी जुड़ चुके हैं, हेलो हाँ जी बताएं। 264 दर्शक हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई जी कानू 50 मारेगा, देखते हैं क्या होता है सिक्के भाई। बिट्टू भाई जी है बॉलिंग में, काफी अनुभव है इनको बॉलिंग और बैटिंग में, जबरदस्त बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और काफी नाम रहा है चिड़ावा की क्रिकेट में, इनका नाम बहुत ही बड़ा है, काफी समय तक इन्होंने सेवाएं दी हैं चिड़ावा की क्रिकेट को। वालेकुम सलाम, आसिफ खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मलसीसर से हैं ये, दुबई से फिलहाल लाइव देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई आपका भी, जुड़े रहे साथ मुकाबले का आनंद उठाएं, ग्रामीण क्षेत्र का ये बेहतरीन मुकाबला, मेगा फाइनल मुकाबला आप सभी के बीच में लाइव है। एक तरफ है ओज टू की टीम तो दूसरी तरफ है चिड़ावा की टीम, चिड़ावा की टीम में आपको राहुल सैनी, नवीन गुरुजी, काना, सहवाग, लील, दीपांशु आदि खेलते हुए नजर आएंगे। तो ओज टू टीम में आपको नीरज, ओज टू गुड्डू, मनदीप, विमलेश, विजय आदि बड़े नाम खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों ही टीमों सितारों से सजी हुई टीमें हैं, बेहतरीन टैलेंट है ग्रामीण का दोनों ही टीमों में, तो एक जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलेगा ये निश्चित ही। जय राम जी की, आर के कुशवाहा। और ये शायद एज लगा था वहां पर और सहवाग के द्वारा ये मिस फील्डिंग, एक और कैच ड्रॉप हुआ,
300 के आसपास जा चुके हैं हमारे दर्शक 292 तक पहुंच चुके हैं भाई। शेयर जरूर करें सभी साथी जो भी है हमारे साथ लाइव में। मलसीसर का मैच कब होगा भाई? यहां पर नहीं होगा मलसीसर का, क्योंकि फाइनल मुकाबला चल रहा है अब। मलसीसर की टीम ने एंट्री नहीं की है। हाँ बिल्कुल, आपको रामपुरा बेरी में जरूर खेलते हुए नजर आ सकती है टीम मलसीसर की। 9+2 का टूर्नामेंट है, 1,00,000 रुपये नाम राशि प्रतियोगिता है वो। 5 फरवरी से लाइव किया जाएगा उस टूर्नामेंट का। उसमें आपको मलसीसर जाबासर बड़ी बड़ी टीमें एकल ग्रामीण के खेलते हुए नजर आएंगे। 9+2 के नियम से खेला जाएगा। वुड्स की बॉल होगी, फंटी बैन होगी उस टूर्नामेंट के अंदर। आप उस टूर्नामेंट का पोस्टर देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये लगा दिया गया है। 302 दर्शक हो चुके हैं इसी बीच हमारे साथ लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी शेयर किया इस मुकाबले को। बड़ा मुकाबला है ये, शेयर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों। और पेज को भी फॉलो कर ले साथियों आप, ताकि आने वाले समय के जो मुकाबले हों, लाइव मुकाबले हों, उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। अमित शर्मा जुड़ चुके हैं मुंबई से हमारे साथ। राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी कुछ समय के बाद वह जयपुर से भी लाइव दिखाई जाएंगे। ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता 1,00,000 रुपये इनामी राशि, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अशोक जी चांदना पधार रहे हैं। किधर हो रहे हैं मैच ये भाई? हो रहे हैं चिड़ावा के अंदर। फाइनल मुकाबला है, पहली पारी है क्या? हाँ बिल्कुल भाई, पहली पारी है। सलीमुद्दीन अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलीमुद्दीन भाई MD। राज वर्मा भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली इनिंग है दोस्तों, 14-14 ओवरों का मुकाबला है ये। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुके हैं। ओस्ट टीम धीमी शुरुआत है भाई, बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली है चिड़ावा की तरफ से, लेकिन वापसी करने की क्षमता रखती है पूरी टीम, ये पैक टीम है, अच्छे खिलाड़ी है। शुक्रिया भाई RK कुशवा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन जाट राम राम भाई जी, राम राम। काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है अभी तक चिड़ावा के द्वारा, और विकेट रोक कर खेल रहे हैं ओस्ट खिलाड़ी, क्योंकि 14-14 ओवरों का मुकाबला है। अगर कुछ बड़े ओवर आ जाएंगे तो अच्छा स्कोर सेट किया जा सकता है, अच्छा लक्ष्य टारगेट निर्धारित किया जा सकता है। 14-14 ओवरों के मुकाबले में बहुत ही संभल के बल्लेबाजी करनी होती है। सद्दाम खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सदाम शायद चुरू से है, और इसी बीच में बॉल हवा में है और MD का विकेट जाता हुआ यहाँ पर मनदीप का। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा झटका ओस्ट को लगता हुआ। अब शायद नीरज आएंगे बैटिंग करने के लिए, नीरज रेड्डी है, बल्ला हाथ में है। देखते हैं भाई जो उनके कोच है वो किस खिलाड़ी को भेजते हैं, कौन सा खिलाड़ी आएगा बैटिंग करने के लिए, देखते हैं। और अब आए हैं विजय, नीरज को एक और डाउन बचा के रखा है। राजेंद्र भाई राम राम, क्या हाल होते भाई? मौसम कृषि जुड़ चुके हमारे साथ सुल्ताना से। बढ़िया भाई मौसम भाई, आप बताएं कैसे हैं? सुल्ताना की टीम हार चुकी है यहाँ पर, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया था श्रवण ने उस मुकाबले में। एक तरफ विकेट को संभाले रखा था, लेकिन जीत और हार गेम का हिस्सा है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। और उस दिन टीम डाणा ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया सुल्ताना के खिलाफ, और उस मैच में जीत हासिल की। भारत जोड़ो यात्रा भी जुड़ चुके हमारे साथ, चिड़ावा के अंदर हो रहे भाई। चिड़ावा ग्रामीण टूर्नामेंट है ये, 21,000 रुपये ना मेरा सी है प्रतियोगिता ये, और ओस्ट और चिड़ावा के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। पंकज प्रधान भी जुड़ चुके हैं, राम राम। लो भाई, विजय के बल्ले से निकला एक जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, ऐसी ही बैटिंग की आवश्यकता है ओस्ट को। ये जो दबाव बना है, ये दबाव हटाने के लिए, और इसी 6 रन के साथ में स्कोर पहुंचा दिया है ओस्ट की टीम का। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर पर गति पे है। चिड़ावा के अंदर हो रहा भाई, चिड़ावा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तहसील चिड़ावा, प्रॉपर चिड़ावा शहर के अंदर ये टूर्नामेंट चल रहा है, आप सभी के बीच में लाइव है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस टूर्नामेंट का, सबसे बड़ा मुकाबला। कानू माली बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चौधरी, भारत नहीं है भाई, अर्पित सिंह भारत नहीं है। अब दोनों अनुभवी जो बल्लेबाज है ओस्ट की टीम की तरफ से, वो है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर विमलेश और विजय, बहुत ही बड़े नाम रहे हैं ये टेनिस क्रिकेट चिड़ावा में। काफी अच्छी बैटिंग इनके द्वारा देखने को मिल सकती है भाई।
इंग्लिश चार गेंदों में एक रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं। विजय तीन गेंदों का सामना करते हुए सात रन बना चुके। सबीर खान सुबीन खान जुड़े हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड आफ्टरनून भाई राजेश मेघवाल। भारत नहीं है भाई, भारत नहीं है टीम में। कान्ना है, नील है, अनुराग सोनू है, नवीन गुरुजी है, राहुल सैनी है, पिट्टू भाई जी है और सहवाग है, दीपांशु है। काफी अच्छा मुकाबला होगा ये, दोनों टीमें जबरदस्त टीम। टीम काफी बड़ा नाम है ग्रामीण क्षेत्र की टीमों में। चिड़ावा के अंदर चल रहा भाई किशोर भाई, राम राम मेरियन बन्ना हमारे साथ जुड़े हैं, मनु बन्ना भी जुड़े हैं। चिड़ावा में चल रहा भाई ये फाइनल मुकाबला। कुछ ही समय के बाद में आपको जयपुर से भी लाइव दिखाएंगे ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमान श्री अशोक चांदना जी पहुंच रहे हैं। राजस्थान फिर से उठाया है गेंद, तारामंडल में पहुंची है दोस्त। एक और छक्का हाथ लगा भाई, विजय के द्वारा दूसरा छक्का आया भाई। वो लेन डाली हुई डिलीवरी थी, गेंद को तारामंडल के दर्शन करवा दिए भाई। यहाँ पर एक बार फिर से धीरज अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं, सामना कर रहे हैं विजय। ओहो दूसरी गेंद को फिर से उड़ाने की कोशिश थी, इस बार सफल नहीं हुए। आरिफ खान राम राम भाई, राम राम। मुस्तफा खान मेवात से स्वागत है दोस्त आपका भी भाई। तो सातवां ओवर टीम की ओर से अपने कोटे का प्रथम ओवर लेके आए हैं धीरज जांगीर दोस्त। ये लीजिए फिर से गेंद को उड़ाया है, इस बार वहाँ फील्डर है, कुछ सहलकदमी हो रही है किंतु पकड़े जाएंगे दोस्त यहाँ पर विजय। अब शॉट तो काफी शानदार था, लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए भाई यहाँ पर विजय। गुड शॉट है राजेश मेघवाल भाई, शॉट तो काफी अच्छा था किंतु इस बार पकड़े गए भाई लॉन्ग ऑन की दिशा में। चौथे विकेट का पतन यहाँ पर अब आ चुके हैं भाई नीरज ओस्टू, नीरज शर्मा स्टार प्लेयर ऑफ टेनिस क्रिकेट राजस्थान। जल्दी ही आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देंगे दोस्त नीरज शर्मा ओस्टू, राजस्थान के टेनिस स्टार प्लेयर। नाइस बैटिंग विजय। हाँ भाई आते ही ताबड़तोड़ दो छक्के लगाए, फिर से उड़ाने की कोशिश में थे, पकड़े गए भाई वहाँ पर। जितने भी मेरे साथी लाइव जुड़े हुए हैं 330 के पार हो चुके हैं, आप सब दोस्तों शेयर करते रहे मुकाबले में, शहर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्त। कितना अच्छा रहे दो शब्द। हाँ आर के अच्छा बोला आपने ये वर्ड। हेलो दोस्त आरिफ खान उदय को राम राम बोल दिया भाई, मेरे पास में खड़े हैं आरिफ मामा जी। आरिफ मामा जी जुड़ चुके हमारे साथ, आरिफ खान मामा जी नुआ से बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आपका, राम राम, बहुत बहुत सलाम आपको, धन्यवाद जुड़े रहे और इस बेहतरीन मुकाबले का आनंद उठाते रहे। एक तरफ टीम है तो दूसरी तरफ चिटावा की टीम है। नीरज ओस्टू आ चुके हैं, स्टार खिलाड़ियों की सूची में शामिल है, शेखावटी के बड़े नामों में शामिल है नीरज और राहुल सैनी, और साथ में आज नवीन गुरुजी भी आ चुके हैं और बिट्टू भाई जी भी आपको कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। चिड़ावा के टीम कप्तान है इस मुकाबले में और बहुत ही बड़ी नाम है। इस बार उल्टा पुल्टा आप दूसरी गेंद पर कोशिश थी बाउंड्री निकालने की, सफल नहीं हुए। फर्स्ट स्लिप के द्वारा गेंद पकड़ ली गई दोस्त। सातवां ओवर प्रगति पे है, 34 रन बने हैं, चार विकेटों का पतन हुआ है। राम राम भाई अमर बैरवा जिंद से इस बार हल्की हाथों से गेंद को धकेला है, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। सिंगल के साथ स्कोर है वह पहुंच चुका है 35, मुकेश जिला गुड, थैंक यू भाई। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है दोस्त, अब ओवर
15 ओवरों का मुकाबला है ये महाफाइनल मुकाबला सन्नी मेहरा राम राम यूएसए से। ओके थैंक यू दोस्त, आप हमारे साथ जुड़े रहे और मुकाबले को साथ साथ शेयर भी करते रहे दोस्त, बच्चे भी हमारे साथी है वो भी मुकाबले में जुड़ जाए। धीरज जांगिर के इस ओवर में 7 रन आए, पहले गेंद पर छक्का लगा था दोस्त और फिर पकड़े गए लोगों की दिशा में विजय भाई, तो एक विकेट भी मिल गया। अब अनुराग है वो भी अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे, टीम की ओर से 8वां ओवर दोस्त। राधे श्याम खेल लिया भाई, राजेश पूछ रहे भाई, संदीप मीणा नीरज को राम राम बोल रहे हैं भाई, एक बार बैटिंग कर रहे हैं संदीप, बोल देंगे नीरज को भाई। ठाकुर सिंह हेलो दोस्त, स्वागत आपका, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी उसको धकेला है डीप स्क्वायर लेग में, वहाँ सिंगल मिल जाएगा दोस्त, सिंगल के साथ स्कोर है वो पहुंच चुका है अब 36 रन। नीरज शर्मा को अंत तक खेलना होगा। वारिसपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश हेलो, जो कि अच्छी कमेंट्री करते हैं दोस्त। दिनेश हेलो, काफी जय भीम जय संविधान राजेश मेघवाल। ले लीजिए एक और हल्के हाथों से खेली शॉट, जो फिल्टर ले रखा है उसके द्वारा गेंद कलेक्ट कर ली गई दोस्त। अजय सोलंकी है उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन दिया दोस्त 123 की टोटल। बाबू पूनिया राम राम भाई। अनुराग वर्सेज विमलेश, ये टप्पा अच्छा है दोस्त। शकील किडोली है वो नीरज को 500 देंगे भाई। राम राम भाई, विक्रम बजाज राम राम। ले लीजिए इस बार गुड लेंथ डिलीवरी, हल्के हाथों से सिंगल चाहते थे, वहाँ फील्डर खड़े थे दोस्त, सिंगल नहीं मिला। गुड कमेंट्री आर के खुशवा, थैंक यू भाई। इस बार अनुराग वर्सेज विमलेश कुमार, गुड लैंड डिलीवरी, इस बार दिशाहीन गेंद वाइड मिल जाएगी दोस्त। फाइनल मैच चल रहा है, दर्शक कम है। हाँ भाई दिनेश हेलो, दर्शक ओपन दर्शक तो काफी है मेरे पास, आप मुकाबले को शेयर करते रहे, लाइव दर्शकों की संख्या भी बढ़ जाए साथ साथ में। अभी हम भी आपको इस गेंद के बाद में ऑफलाइन दर्शक है वो दिखाएंगे जो ग्राउंड में है अभी हमारे साथ। ओहो यहाँ पर विकेट का पतन आ गया भाई विमलेश का, बैट का एज लगा और गेंद कीपर के ग्लव्स में समा गई। ये देखिए आप जो हमारे ग्राउंड में दर्शक बैठे हुए हैं, दर्शकों का भी करते रहिए साथ साथ में, आप ऑनलाइन दर्शक जुड़े हैं वो भी मुकाबले को शेयर करते रहे जिससे कि और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं। नीरज को 1000 मेरी तरफ से इरफान खान की ओर से, ब्रांड चौधरी बेस्ट बॉलिंग, राज थाल और सुपर, थैंक यू भाई। अबे न्यू बैट्समैन आए हैं टोनी, शायद लेफ्टी है भाई, हाँ लेफ्टी है। स्कोर दोस्त 37 हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर। सुरन सिंह मजा कैसे नहीं यार दोस्त, महाफाइनल मुकाबला है, दोनों टीम पे काफी शानदार है दोस्त। एक फाइनल का हमने देखा था बुआना में, लो स्कोरिंग मैच हुआ था दोस्त वो फाइनल। हम इस मुकाबले में दुआ करेंगे कि अच्छा स्कोर बनाए ओस्टू। ये लीजिए शानदार अपने कंधे का उपयोग, जैसी हाइट है वैसे ही कंधे का उपयोग, अनुराग 03 जर्सी के। 8 ओवरों की समाप्ति, 37 रन 5 विकेट। नवीन गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का पहला, टीम की तरफ से नवा। सिन्नू भाई ये मैच चल रहा है दोस्त चिड़ावा, CPL 2023 चिड़ावा से, दर्शक नहीं लाइव देख रहे हैं आपका। ओके भाई ब्रांड चौधरी स्वागत आपका, अजय स्वामी राम राम भाई, मिट्टू भाई को राम राम, मोहन खान की ओर से। नीरज 3 छक्के कंटिन्यू मारने पर 5100 का इनाम परवीन रोहिला जयपुर की ओर से मिलेगा। ओके भाई
अब नवीन कुमार वर्सेज नीरज शर्मा रहेगा मुकाबला। अब मैच की जान नीरज शर्मा। हाँ भाई दिनेश हेलो, सही पहचाना आपने मैच को। ये किया बिल्कुल, धन्यवाद क्रिकेट साहब। रन अप चेक किया है नवीन कुमार ने। महेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो दोस्त, स्वागत है महेंद्र आपका भी। तुताराम कोट लिया, अगली गेंद सामना करेंगे। लीजिए लेग स्टंप पे गेंद डाली थी, लो फुल टॉस रही, उसको दिशा दी छह रनों के रूप में। तो भाई नवीन कुमार की पहली गेंद पे छक्का उड़ा दिया है भाई नीरज शर्मा ने। पैड लाइन पे डालना चाहते थे, यॉर्कर की तलाश थी, लो फुल टॉस कर बैठे, दर्शन करवा दिए छह रनों के रूप में। राजकुमार शर्मा राम राम भाई, राम राम। दोस्तों जो चारों तरफ है बाउंड्री है वो एक दीवार कवर कर रखी है इस ग्राउंड में, तो उससे ऊपर से गेंद निकल गई है। नीरज लगातार छह बॉल में छह सिंगल लेने पर 11,000। ओके भाई दीपक कुमार हेलो, सावन पवार नमस्कार। दीपक कुमार क्या हुआ भाई, छक्का आ चुका है दोस्त दीपक। महेंद्र हाँ भाई छक्का लग चुका है, पैड लाइन पे गेंद डाली थी, यॉर्कर के तलाश में थे, लो फुल टॉस कर बैठे, उसको दर्शन करवा दिए नीरज ने छह रनों के रूप में। राम राम भाई माल मालम, राम राम राम। प्रकाश विश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई। दर्शक है वो लाइव संख्या है वो आपकी 420 प्लस हो चुकी है, आप मेरे साथ जुड़े रहे और मुकाबले को और भी शेयर करते रहे दोस्तों। इस बार फिर से नवीन कुमार वर्सेज नीरज शर्मा। इस बार फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई, मिल गया एक और चौका भाई नीरज को और ओस्टो को। यहाँ पर पहली गेंद पे छक्का आया, उसके बाद भी दूसरी गेंद पे चौका दोस्त। नीरज को 2500 की इनाम इरफान खान इंदौर की ओर से। ओके भाई आप ऐसे ही खिलाड़ियों के लिए इनामों की घोषणा करते रहिए दोस्तों। डेनी राम राम भाई। राजकुमार शर्मा सिक्स की मांग कर रहे हैं, एक छक्का तो लग चुका है इससे पहली गेंद पे भाई राजकुमार। बालाजी डेरी फोरम राम राम। 47 हो चुका है इस चौके के साथ स्कोर, 5 विकेटों का पतन हो चुका है ओस्टू का। 9 ओवर प्रगति पे है, नवीन कुमार डाल रहे हैं, सामना करेंगे नीरज शर्मा। राम राम भाई राजवीर राम राम। ये लीजिए एक और, इस बार कंधे का उपयोग किया था किंतु दिशा से भटके वाइड गेंद आ गई दोस्त। राम राम भाई, मैं आकाश बैंगलोर से। थैंक यू भाई आकाश खटिक, स्वागत है आपका। राम राम सुरेंद्र सारणे राम राम। फिर से कंधे का उपयोग, फर्स्ट बाउंड से नो बॉल, सेकेंड बाउंस था, नो बॉल करार दे दी भाई यहाँ पर लेग अंपायर ने। तो अब फ्री हिट का सामना करेंगे भाई नीरज। ओहो काफी कसी हुई गेंदबाजी फ्री हिट पर, कंधे का उपयोग किया, गुड लेंथ डिलीवरी, गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल पाया विकेट कीपर के ग्लव्स में। राम राम पाटिल चौहान जय श्री राम भाई आनंद सिंह। ओहो एक और अच्छी गेंद भाई यहाँ पर नीरज के सामने, लक्ष्मीकांत शर्मा राम राम भाई। अगली गेंद इस बार फिर से दिशा से भटके एक और वाइड आ चुकी है दोस्त यहाँ पर। इस वाइड के साथ अब स्कोर है वो 50 रन हो चुका है दोस्त, 50 हो चुके हैं दोस्त। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़े रहे और मुकाबले को साथ साथ शेयर भी करते रहे दोस्त। राकेश जाट राम राम भाई। भाई नवीन कुमार हैं वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले गेंद पे चौका आया था उसके बाद में चौका भी आया, वाइड नो बॉल के साथ ये ओवर 13 रन आ चुके अभी इस ओवर में। रफीक सऊदी अरब से जुड़े हमारे साथ, स्वागत है भाई रफीक आपका भी। ले ले ले। ओ छोटी शॉट डिलीवरी पड़ा और बैट का हेड लगा, टोपे लगी, मिल गया चौका भाई।
गली के ऊपर से गेंद को धकेला। कमल सोलंकी राम राम भाई। इस चौके के साथ है 9 ओवर की समाप्ति। बोर्ड पे रन लगे हैं दोस्त 54 लॉट्स ऑफ 5 विकेट। नाइस कवरेज प्रदीप वर्मा, थैंक यू भाई। जय श्री राम, राणा राम, माली सेलवासा। ओके भाई, थैंक यू, आप जुड़े रहे और मुकाबले को साथ साथ शेयर करते रहे। टोटल 107 रहेगा। परवीन रोहिला की प्रिडिक्शन आई है दोस्त, कहाँ चल रहा है ये जितेश बाला हेड़ा, ये झुंझुनू के चिड़ावा, सीपीएल 2023 का महाफाइनल मुकाबला। जितेश नमस्कार भाई जी, सुल्तान खान रॉक स्टार नमस्कार। 10वां ओवर है वो अनुराग डालेंगे। पिछले ओवर में 2 रन खर्च किए थे, 1 विकेट लिया था। पहली गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, निकाला और लॉन्ग ऑन की तरफ है। फील्डर खड़े हैं, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। भाई कमेंट्री अच्छी कर रहे हो, थैंक यू भाई रजन गुजर, स्वागत है भाई। सुल्तान खान है वो मेवात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है भाई। जगमोहन, जय श्री राम, नाइस ब्रो। यूके खान अलवर राजस्थान, ओके भाई। उमरीद खान, स्वागत है आपका भी। परवीन के शर्मा, जय श्री राम। तो दोस्त अब स्ट्राइक पे हैं नीरज शर्मा, 11 गेंदों में 16 रनों पे खेल रहे हैं, 1 छक्का 2 चौके उड़ाए दोस्त अभी तक। आप मेरे साथ जुड़े रहे और नीरज शर्मा की बैटिंग का लुत्फ उठाइए दोस्तों। नीविया की बॉल से मैच चल रहे भाई, विकास नायक के महाफाइनल है, हाई वोल्टेज मुकाबला दोस्त। यहाँ पर हल्के हाथों से खेला था, सिंगल मिल गया दोस्त, वेरी नाइस, थैंक यू भाई। अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं फिर से। मैच दोस्त चिड़ावा से लाइव चल रहा है, सीपीएल 2023। हाँ भाई, आर के राज सिंह जयपुर से जुड़े हैं। नीरज की 50 रन पूरे होने पर 1100 का इनाम परवीन रोहिला की ओर से। फर्स्ट बाउंस का इशारा आ चुका है दोस्त। यहाँ पर अनुराग है वो काफी अपने कंधे का उपयोग कर रहे हैं। लक्की फिल्म से कोटपुतली राम राम भाई ठाकुर, राम 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 राज सिंह, बहुत सुंदर इस बार सलवा डिलीवरी। टोनी है वो दोस्तों, 4 गेंदे खेल चुके हैं अभी तक, 1 ही रन पे हैं। 15 ओवरों का फाइनल मुकाबला होगा दोस्त। माली साहब 15 ओवरों का महाफाइनल मुकाबला। नीरज भाई मिला चौका तो लगाओ चौका, क्या बात बोली अमजद आपने। ये लीजिए लो फुल टॉस, वहाँ राहुल है भाई, सिंगल ही मिलेगा। दीपक कुमार, जय श्री राम भाई। लेजेंड लेवल कमेंट्री अरविंद के शर्मा के द्वारा, नाइस भाई, थैंक यू। गणेश मीणा राम राम। चिड़ावा के अंदर एक राजेश नाम का आदमी है जो जल्दी से, उसको आप जानते हो क्या? ब्रांड चौधरी भाई। अभी हमें इस महाफाइनल मुकाबले की बात करेंगे दोस्त। यहाँ पे आया है एक और चमचमाता हुआ छक्का नीरज शर्मा के बैट से। ये छक्के के साथ टीम पहुंच चुकी है ओस्टू की तरह सेट पर। नीरज पहुंच चुके हैं 23 रनों पे दोस्त। वो लेट डिलीवरी थी, पड़ा और जड़ा छक्का दोस्त। राहुल सैनी दोस्त बीसीसी चिराव में खेल रहे हैं भाई, और नीरज सैनी ओस्टू की ओर से। ग्रामीण टूर्नामेंट है दोस्ती। यज्ञ नारायण सिंह, मेरा नाम हाँ ले दिया भाई नारायण सिंह आपका। राधे राधे रोशनी मेहरा। गेंदबाज दिशा से भटकता तो पड़ा फटका, ये वर्ड बोला भाई दिनेश हेलो वारिश पुराने। गेंदबाज दिशा से भटका तो पड़ा फटका, दिशा से नहीं भटका था भाई दिनेश, गुड लेंथ डिलीवरी थी, बोलेंगे हम यॉर्कर के तलाश में थे, किंतु फटका पड़ गया उनको छक्के के रूप में नीरज के बैट से। ओहो, लेग साइड में खेलना चाहते थे, बैट से गेंद टकराई। मेरा नाम माली, ओके थैंक यू भाई। 11वां ओवर डाल रहे हैं नवीन कुमार, सामना कर रहे हैं टोनी। फर्स्ट प्राइज है वो 21,000 रुपए दोस्त। सेकंड प्राइज रहेगी वो 11,000, साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफियां।
इस बार जिस काम के लिए भेजा गया था उस काम वो काम टोनी ने अच्छे से किया है, सिंगल दे दिया, नीरज को स्ट्राइक पे ले दिया दोस्त। राम राम संदीप काठीवाल ना, राम राम भाई परवीन रोहिला, नीरज डोंट लीव योर स्ट्राइक बिकॉज योर टीम गेट्स ए गुड टोटल। गुड भाई थैंक यू, अच्छी बात बोली आपने, आप स्ट्राइक पे रहिए, अपनी टीम को एक अच्छा टोटल देंगे आप। अक्षर खान बोल रहे हैं भाई नीरज अगर 6 छक्के लगाते हैं तो 100 रुपए का इनाम रहेगा। अब नवीन कुमार वर्सेज नीरज, शॉर्ट लेंथ फुल शॉट है गली के ऊपर से 4 रन। एक और चौका नीरज के बैट से, नीरज पहुंच चुके हैं अब 27 रनों पे, रोज 2 पहुंच चुकी है 68 पे दोस्तों। ठाकुर रामराज सिंह 15 ओवरों का महाफाइनल मुकाबला होगा दोस्त, अगर ओवर में एक विकेट जाएगा अमजद परदेशी अगले ओवर में, इस ओवर में नहीं जाएगा, ये भी अच्छी बात बोली आपने अमजद। अब नवीन सामना करेंगे नीरज, ले लीजिए गेंद खड़ी हो गई है बंटी, 13 नंबर जैसी पहुंच नहीं पाई भाई फिटनेस की वजह से, उड़ाना चाहते थे गेंद घूमकर यही खड़ी हो गई, बंटी थोड़ा सा दूर रह गई, तीसरी चिदावा शानदार सिक्स मार भाई के देवराज। गुड लैंड डिलीवरी नीरज, 50 मारेगा भाई, परवीन मैला बता रहे हैं। ओके भाई थैंक यू, नवीन कुमार 11वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं भाई। अब टोनी सामना करेंगे, वाइड गेंद भाई जी, कॉमेडी कॉमेंट्री ऐसे करता रहना अस्कर खान। हाँ भाई ऐसी ऐसी कॉमेंट्री मिलेगी दोस्त आपको। राम और राज सिर ऊपर के गेलो है बादशाह भाई, मारवाड़ी बात कर रहे हैं हमारे साथ। एक और दिशाहीन गेंद, एक और वाइड। हाँ भाई महावीर बंजारा की तरफ से, ओके थैंक यू, बहुत अच्छी बैटिंग नीरज की, कैच छोड़ा तो मैच छोड़ा भाई। अमजद कैच तो नहीं था, काफी दूर थे बंटी, इन तो कोशिश करते डाई लगाते तो कैच हो जाता, ऐसी बात नहीं है। 11 ओवर हो चुके हैं, 70 रन लग चुके हैं बोर्ड पर ओवर चुके दोस्त। परवीन चिरावा, चिरावा कॉलेज ग्राउंड है दोस्त, चिरावा से लाइव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से भाई, बहुत अच्छा कमांडो कमेंट्री। ओके भाई पवन यादव, ऐसी ट्रॉफी न हो तो कैसे भाई बादशाह, ऐसी कैसे बात बोली आपने, ऐसी कोई बात नहीं टूर्नामेंट में अभी तक तो बताइए आप इस टूर्नामेंट और इस मैच के बारे में, महाफाइनल मुकाबला। शीशराम सैनी गुड थैंक यू लीजिए, अनुराग ने गुड लेंथ डिलीवरी डाली, टोनी ने सिंगल के रूप में खेला और नीरज को स्ट्राइक दी भाई। नीरज है वो 28 रनों पे खेल रहे हैं, 16 गेंदों में 73 रन हो चुका है। अमजद प्रेसी परदेशी, 15 ओवरों का मैच होगा भाई। दोस्तों गेंद को लेकर डिस्कस हो रहा है, कुछ गेंद चेंज करने की बात हो रही है यहाँ पर है दोनों अंपायर और बैट्समैनों के द्वारा। पंद्रह ओवरों का ये महाफाइनल मुकाबला होगा दोस्त, 12 ओवर प्रगति पे है। अनुराग डाल रहे हैं, सामना करेंगे नीरज, अब
और लेग साइड में डालना चाहते थे, थोड़ा सा उछाल पाया, गेंद शरीर से टकराई, अपने आप से भी नाराज है इस बार नीरज, उठाने की कोशिश में थे भाई। एक बार फिर से अनुराग वर्सेस नीरज, ये लीजिए दोस्त जिस गेंद की हम बात कर रहे थे उड़ाई दिया है, तारा मंडल के दर्शन ने करवा दिए गेंद को, इस बार दिशा से भटके और उनको बड़ा फटका भाई अनुराग के, गुड लेंथ भी नहीं बोलेंगे दोस्त, हमें यॉर्कर की तलाश में थे फिर से अनुराग, शायद यॉर्कर की तलाश में थे, ब्लॉक होल में डाली, मिल गया छक्का आउट टू नीरज को, वाइड गेंद छक्का खाने के बाद दिशाहीन गेंदबाजी अनुराग के द्वारा, नीरज पिछले एक महीने से बहुत अच्छा खेल रहा है, रोमियो खान ओके भाई थैंक यू, हाँ भाई काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं नीरज और राहुल दोनों ही, एक बार फिर से अनुराग, ये डिलीवरी काफी शानदार थी भाई अनुराग की, कंटिन्यू 6-6 लगा इन नेक्स्ट ओवर, गेव 11,000 ओके भाई राहुल आरबी शर्मा, बारवा ओवर प्रगति पे चल रहा है, 80 रन हो चुके हैं ओस टू के, नीरज है वो 34 रनों पे खेल रहे हैं दोस्त, अब एक बार फिर से अनुराग नीरज हल्के हाथों से गेंद को खेला है, सिंगल मिल जाएगा, 495 हो चुके हैं, मात्र 5 ही कम है भाई 500 में, 500 का जो टारगेट दिया था आपको वो कंप्लीट करवाना दोस्तों, एक एक शेयर करते हुए 500 हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने भी इस मुकाबले को शेयर किया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद अनुराग की मानना चाहते थे, बैट और गेंद का संपर्क नहीं और समाप्त, तो अब दो ओवरों का खेल शेष है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, नीरज 35 रन पर खेल रहे हैं 20 गेंदों का सामना करते हुए, स्कोर 81 रन 5 विकेट के नुकसान पर 500 के आसपास हमारे दर्शक पहुंच चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी शेयर किया इस मुकाबले को, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, जब तक सेकंड इनिंग चलेगी तब तक 1000 दर्शक लाइन में आज होने आवश्यक है, ये फाइनल मुकाबला होगा, हाँ बिल्कुल 500 हो चुके भाई, 505 तक जा चुके हैं अभी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा राम माली आपका, आपने इस मुकाबले को शेयर किया, प्रवीण रोहिला आप भी शेयर करें, कमल सैनी जुड़ चुके हमारे साथ चूरू से, राम राम भाई साहब जय राम जी की, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ, काफी दिनों के बाद मैं आपको देखा है लाइव में, हार्दिक स्वागत आपका, समझाते हुए सोनू फिगरो को बंटी तांबड़े को घेरे में लेते हुए, और आनंद कुमार महला भी जुड़े हमारे साथ, नवीन भाई राम राम, और प्रदीप शोरान ने भी घोषणा कर दी भाई, लगातार अगर नीरज 4 छक्के लगाते हैं तो 1100 रुपए का इनाम, ये रिवर स्वीप करने की कोशिश थी, नीरज है स्ट्राइक पर और धीरज है बॉलिंग में, देखते भाई कौन बाजी मारता है, ये सेकंड लास्ट ओवर है, 14 ओवरों का मुकाबला, 15 ओवरों का मुकाबला, तो 3 ओवर बाकी अभी, ये लो भाई अब की बार नीरज के बल्ले से जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, काफी अच्छी पारी खेल रहे हैं यहाँ पर, 41 रन बना चुके 22 गेंदों में नीरज, जोरदार तालियां बजाते हुए मोदी हमारे भाई साहब और चेहरे में मुस्कान आती हुई जयराम जी की भी, समझते हैं मनी मन क्या करें, कई बार दबाव होता है लेकिन मन की छाई छुपी नहीं रहती, वो चेहरे पे आती हुई वस्तु के समर्थकों के अंदर, अगली गेंद बबलू जी वैष्णव मानना चाहते थे, महिला और साबित करना चाहते हैं नीरज, जानते हैं दो तीन बड़े हिट लगाने होंगे, इसके बाद दो ओवर शेष रहेंगे और जितनी स्ट्राइक अपने पास रखेंगे उतना फायदा ओस टू के लिए, अगली गेंद बबलू की उतनी चतुर गेंदबाज बबलू, जैसा कि मैंने कहा था शानदार गेंदबाजी करते हैं
जो भी है अपील आप कर सकते हैं, बहस ना करें एम्पायर से, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसने देख लिया, उसका जिम्मा सतपाल जी जहांगीर के पास है। जैसे उन्होंने मैं कंप्यूटर में देखा, उन्हें साफ दिखाई दिया कि गेंद कौन ही फेंकी है। धन्यवाद सतपाल जी। ये हमारे प्रेस चलाते हैं हमारे बड़े भाई साहब और वार्ड पार्षद सतपाल जी। बढ़िया बोला, बढ़िया बोला, शाबाश। थैंक यू भाई इमरान खान राजा, थैंक यू। अच्छा, 13 और प्रगति पे है, 87 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। धीरज जांगीर वर्सेज नीरज, ये लीजिए फिर से उड़ाया है, 6 रनों के रूप में गेंद गई है दोस्त। एक और छक्का आ चुका है यहाँ नीरज के बैट से, तो नीरज है वो अब 47 रनों पे पहुंच गए 25 गेंदों में, लगभग 190 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है भाई ये बंदा नीरज। टोटल स्कोर है ओस टू का वो 93 हो चुका है अब यहाँ पर। ओके भाई, इमरान राजा ब्लॉक होल पे डाली हुई डिलीवरी, सिंगल की कोशिश है, सिंगल पूरा कर लेंगे दोस्त। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, 557 दर्शक लाइव मुझे उसके भाई एक एक शेयर जरूर करते, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, ये बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला, इसी पहली इनिंग में लगभग 700-800 के आसपास पहुंच सकते हैं भाई, शेयर कर दे भाई, 580 के आसपास जा चुके 82, मुकाबले को शेयर जरूर करें जो भी साथी लाइव में है भाई। जबरदस्त मुकाबला नीरज का, देसी बैटिंग करते हुए 48 रनों पर है शायद अभी, मात्र 2 रन की आवश्यकता है, 610 हो चुके भाई। जिन्होंने भी शेयर किया इस मुकाबले को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज है तो दूसरी तरफ नवीन गुरुजी आए भाई, अब बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है ये, और राहुल सैनी भी खेलते हुए नजर आएंगे आपको चिड़ावा की टीम में, साथ में बिट्टू भाई जी भी होंगे, लील भी है, काफी अच्छी टीम है चिड़ावा की। धीरज मीणा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो भाई एक और छक्का नीरज के बल्ले से निकला है, जबरदस्त शॉट, और इसी के साथ में अपना 50 रन भी पूरा कर लिया भाई, अर्धशतक पूरा कर लिया नीरज ने। पहले शुरुआती दौर में उस टीम दबाव में दिखाई दे रही थी, लेकिन 100 रन भी कंप्लीट कर लिया भाई, इसी के साथ में 100 रन भी कंप्लीट कर चुके हैं उस चुके टीम के खिलाड़ी। नीरज अपना निजी स्कोर 54 रन 27 गेंदों का सामना करते हुए लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। पहले शुरुआती विकेट को राणा सर लाइव करोगे तब पॉपुलरिटी और भी ज्यादा आएगी राज क्रिकेट की। जी बिल्कुल हाँ, और यहाँ पर ऐसा लगा था और थोड़ी सी मिसफील्डिंग देखने को मिली है भाई, और लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल राणा सर का जो टूर्नामेंट है वो काफी बड़ा टूर्नामेंट है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में, और वहाँ पर जो हमारे दर्शक होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र का टूर्नामेंट आप सभी को लाइव दिखा रहे हैं, ओनली 21,000 रुपए में मेरा प्रतियोगिता है, लेकिन फाइनल जो मुकाबला है वो काफी रोमांचक मुकाबला है। एक तरफ नीरज है तो दूसरी तरफ है राहुल सैनी, दोनों ही इसी क्षेत्र के स्टार खिलाड़ी हैं। आपकी स्क्रीन पर नीरज अभी बैटिंग करते हुए और चिड़ाव में खेलते हुए नजर आएंगे राहुल। धन्यवाद उदय भाई, एक बार फिर नवीन गुरची वर्षे नीरज है, गेंद को पढ़ा है और जड़ा है, एक और छक्का भाई यहाँ पर, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ओस्ट के ओर से नीरज शर्मा के द्वारा भाई। पहले गेंद पे छक्का, उसके बाद में चौका, उसके बाद में छक्का। अब दोस्तों आप हर छक्के पे एक शेयर कर दे, बस मजा आएगा दोस्त, मुकाबले में बने रहे मेरे साथ, एक छक्का एक शेयर। गुरजी की रेल क्यों बना रहे हो सुनील गोस्वामी भाई, यहाँ पर तो हर गेंदबाज की रेल बन रही है दोस्त। इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पे चौका और तीसरी गेंद पर छक्का है। नितेश डांगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ नड से, राम राम भाई साहब, सुनाओ कैसे हैं? 25 सौरस देने वाले भी क्या भी खा गए इस भाई को, अब माई फेवरेट इन माई सिटी, मजा आ गया भाई आपकी इनिंग देखकर विमल रोहिला, बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई, मुकाबले को शेयर करें भाई, हर एक छक्के पर एक शेयर जरूरी है दोस्तों। एक बार फिर से दर्शक लाइन में है नवीन गुरजी, और ये भाई सभी साथी एक एक शेयर जरूर करें, बहुत ही जबरदस्त शॉट है, लगातार इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका हासिल किया है नीरज ने,
और भाई 70 रन पर पहुंच चुके हैं नीरज इसी के साथ में 30 गेंदों का सामना करते हुए नीरज 70 रन पर। मैं बात कर रहा था दोस्त एक छक्के पे एक शेयर की, तो दोस्त इस ओवर में 3 छक्के आ गए हैं, आप 3 शेयर हो गए, तो आप एक शेयर एक छक्के पे एक शेयर आपका और हमारा हमारा हक बनता है दोस्त। छक्के की बात हो रही है और साथ में शेयर की बात चल रही है। एक बार फिर से नवीन गुरजी सामना करेंगे नीरज 70 रनों पे 30 गेंदों में लगभग 240-45 का स्ट्राइक रेट भाई नीरज। राम राम भाई सोनू राजपूत। दोस्तों हमें 670 के आसपास पहुंच चुके हैं, हमें छक्का लगाओ भाई और शेयर करो आप। सही बोला, 14 ओवर प्रगति पे है, पहले इनिंग की दोस्त 8 गेंदे शेष रही है। नवीन गुरजी वर्सेज नीरज शर्मा, ये लीजिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से धकेलना चाहते थे, वहां फील्डर है, पकड़े जाएंगे भाई दोस्त यहां पर नीरज। अब तो यहां पर ओस्ट को बड़ा झटका, नीरज 70 रन बनाकर डगआउट की ओर बढ़ रहे हैं भाई। तो दोस्त यहाँ पर नीरज है वो 70 रन बनाकर आउट हो चुके हैं दोस्त, 31 गेंदों में 70 रन बनाए थे। तो 116 रन हुए हैं, 5-6 विकेटों का पतन हो चुका है ओस्टू का यहाँ पर। न्यू बैट्समैन है राधेश्याम, तो भाई नवीन गुरजी का ये ओवर था, ये पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद में चौका, उसके बाद में छक्का, उसके बाद में छक्का, काफी फटके पड़े। 750 आप पहुंच चुके हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आप मुकाबले में शेयर करते रहे। नवीन गुरजी को इस ओवर में भाई विकेट मिल चुकी है, वो भी नीरज की। इस बार राधे श्याम ने गेंद को लोगों की तरफ खेला है, सिंगल तो मिल गया है, दूसरे की कोशिश है, टोनी पहुंच जाएंगे भाई वहां पर। तो इस लास्ट गेंद पर 2 रन आए, स्कोर है वो 118 हो चुका है। चौथा ओवर समाप्त हो चुके हैं, पहली इनिंग की 6 गेंदे शेष है दोस्त। अच्छा खेल रहा है भाई नीरज, राजेश भाई आउट होकर डगआउट पे जा चुके हैं, 31 गेंदों में 70 रन बनाए थे। वेल प्लेड बैटिंग की उन्होंने आज भाई नीरज ओस्टू ने। अमित कुमार गुड, थैंक यू भाई। अबे नेक्स्ट अंतिम ओवर डालेंगे भाई, नीरज जाएंगे डालेंगे दोस्त। अमित कुमार नाइस मैच, थैंक यू भाई। और सामना करेंगे टोनी जो कि 10 गेंदों में 5 रनों पे खेल रहे हैं। सिंगल देने का काम अच्छा किया था नीरज को उन्होंने, अब किंतु दोस्त आपके पास से अंतिम 6 गेंदे बची हैं, आप भी फायर चालू कर दीजिए दोस्त। अब पीसीसी चिरावा वर्सेज ओस्टू का महाफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला दोस्त, आप जुड़े रहे और मुकाबले को शेयर करते रहे। यॉर्कर की तलाश, वाइड लेंथ यॉर्कर, पहली गेंद पे सिंगल मिला, स्कोर 119, लॉर्ड्स ऑफ 6 विकेट। राधे श्याम अब सामना करेंगे धीरज जांगिड़ का जो कि भाई ओस्टू के कप्तान। वाह वेरी गुड, अमित धायल नाइस, थैंक यू भाई। आचार्य नरेश जोशी थैंक यू। अब धीरज जांगिड़ वर्सेज राधे श्याम, फुल टॉस खेलना चाहते थे, सामने नेट पहले घूम गया, कवर की साइड गेंद गई, सिंगल मिल गया, इस सिंगल के साथ 120 स्कोर हो चुका है भाई ओस्टू का। उसे नाइस, थैंक यू भाई। अब एक टोनी सामना करेंगे धीरज जांगिड़ का भाई, स्लो डिलीवरी थी, सिंगल की तलाश है, डबल हो पाएगा, नहीं नहीं भाई डबल में रन आउट हो जाएंगे यहाँ टोनी। रनिंग बिटवीन थोड़ी सी स्लो रही दोस्त यहाँ पर, आप तो चिड़ावा चले गए। अरविंद कुमार
नाइस वॉइस भाई, ओके थैंक यू भाई। उसे ने सो स्वीट सिकंदर गौरी हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्त यहां पर 7वें विकेट का पतन हो चुका है, टोटल स्कोर है वो है 121 होगा। हाँ दोस्त अब न्यू बैट्समैन आए हैं, टाइगर टाइगर धीरज का सामना करेंगे। टाइगर बैट लाइन पे गेंद डाली, बैट नहीं आया, बैट से टकराई, सिंगल तो मिल गया, दूसरे की कोशिश थी, टाइगर तैयार थे, राधे श्याम ने मना किया सामने से, तो एक और सिंगल है। टोटल अब स्कोर हो चुका 122 हो चुका है। दोस्तों आप मुकाबले बने रहे, साथ साथ मुकाबले को शेयर भी करते रहे। दोस्त जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं भाई, जिसने भी पेज को फॉलो नहीं किया अभी तक फॉलो कर ले दोस्त आपको यो। इसके बाद 5 फरवरी में हम रामपुरा बेरी राजगढ़ से जुड़ेंगे, 1 लाख इनामी राशि वाला टूर्नामेंट होगा वो। ओहो स्लो डिलीवरी, एक और सिंगल मिल गया दोस्त, 123 लास्ट गेंद बची है इस फर्स्ट इनिंग की। दोस्तों महाफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला, पीसी चुनाव वर्सेज, लास्ट गेंद वो सरी से टकराई और सिंगल मिल गया दोस्त। तो 15 ओवरों में 124 रन बनाए हैं, 125 रनों का टारगेट दिया भाई पीसी चुनाव को। तो दोस्त हमें इस महाफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबले की बात करें तो जिस दोनों के टॉस हुई थी वो टॉस जीती थी भाई पीसी चिड़ावा ने, और पहले फील्डिंग का फैसला किया, बैटिंग करने उतरी, 124 रन बनाए जिसमें नीरज शर्मा ने आज शानदार बैटिंग की और 70 रन बनाए दोस्त। तो अब जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी तब तक हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों।
तो दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे साथ राज क्रिकेट फेवर फेसबुक पेज पे स्वागत है दोस्तों। सेकेंड इनिंग अब स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, कुछ ही अक्षरों में आप मेरे साथ फिर से जुड़ जाए दोस्त। ऑस्ट्रो ने जो टारगेट दिया है पहले बैटिंग करते हुए 125 रनों का टारगेट है 15 ओवरों में, तो मेरे साथ फिर से जुड़ जाए इस हाई वोल्टेज महा फाइनल मुकाबले में दोस्तों। 15 ओवर है जीतने के लिए, 125 रन चाहिए दोस्तों। ओपनर के रूप में आए हैं पृथ्वी और कहना, कानू के नाम से फेमस है भाई 11 नंबर जर्सी। हमने देखा है काफी शानदार प्रदर्शन किया इस बंदे ने इस टूर्नामेंट में। पीके दोराता राम राम भाई, आपका भी स्वागत है भाई। सोहेल कपूर, हेलो दोस्त विजय सैनी, उदय भाई मेरे पास भी है दोस्त विजय सैनी भाई, तो आप मेरे साथ जुड़ जाए दोस्तों। जी भाई दोस्तों एक बार फिर से जुड़ जाए विजय सैनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज क्रिकेट व्यूअर पेज पर। इधर ही हूँ मैं, आपके कमेंट देख रहा था, कोई गलत कमेंट ना हो उसी वजह से दूसरी मोबाइल में मैं लाइव देख रहा हूँ, साथ में स्कोरिंग भी चल रही है हमारी। दूसरी इनिंग की शुरुआत होने को है और बिट्टू भाई जी आ चुके हैं स्ट्राइक पर, लेजेंड खिलाड़ी ऑफ चिड़ावा क्रिकेट, साथ में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज कना। कल जबरदस्त बैटिंग की थी कना ने, 36 गेंदों में 80 रन बनाए थे, तो आज नीरज ने भी उसी तरीके की बैटिंग की है, आज 70 रन बनाए हैं 23 गेंदों का सामना करते हुए नीरज ने। एक बार फिर से जोड़ ले सभी साथी को मेंशन करते हुए और शेयर करते हुए, मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी इनिंग बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होगा ये, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी है चिड़ावा की टीम की, तो बॉलिंग भी शानदार है ओस्टू की टीम की। नीरज बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे आपको, ओस्टू की टीम में अजय बना जुड़ चुके हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अंपायर आ चुके हैं ग्राउंड में, अब जल्दी ही मुकाबला जीतने के लिए 125 रनों का टारगेट दिया भाई पीसीसी चिड़ावा को ओस्टू ने। शायद पहला ओवर राधे श्याम डालेंगे, कानू मार देगा ये रन तो। ओके भाई सोहेल कपूर आपकी बेस्ट विशेष रहेंगी कानू और चिड़ावा के लिए दोस्त। कानू भी है, राहुल सैनी भी है और बिट्टू भाई भी है स्ट्राइक पर आए हैं ओपनिंग करने के लिए, पृथ्वी जंगड़। और कल काना ने 80 रन बनाए थे दोस्तों, उसको आप भूल नहीं सकते, जबरदस्त बैटिंग की थी धारा के खिलाफ काना ने। फॉर्म में है और राहुल सैनी भी है, अभी करेंगे भाई। ये लो भाई जय है, तो आप रहेगा भाई चिड़ावा की टीम के खिलाड़ियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है ओस्टू की तरफ से। साल जागड़ा राम राम भाई, राम राम, साल कैसे है? भाई राधे श्याम के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेशकश हो रहा है यहाँ पर। स्कोरबोर्ड शो हो चुका है, दो गेंदे हो चुके हैं दूसरी इनिंग की। बिट्टू के बल्ले से जबरदस्त शॉट निकलता हुआ दोस्तों, अच्छी शुरुआत। अपना और अपना खाता खोला है चौके से, अपना खाता और पिछली सिरावा का खाता खुला है 4 रनों से दोस्त। अपर कट के रूप में चौका मिला है यहाँ पर बिट्टू और चिड़ावा को दोस्त। अपने बल्ले से खेलते हैं, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है फंटी, आजकल चलने लगी है जिस समय खेलते थे उस समय जो छोटे बैट है उसका इस्तेमाल होता था, उसी बैट का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। एक और गैप में गया है, एक और लेग साइड में खेला है गेंद को, एक और चौका मिल गया दोस्त यहाँ बिट्टू पर। शॉट डिलीवरी थी उसको पटा और जड़ा चौका, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं भाई बिट्टू। यहाँ पर दूसरा चौका लगातार आ चुका है दोस्त राधे श्याम के, बिट्टू जागीर के द्वारा। एक बार फिर से राधे श्याम सामना करेंगे बिट्टू जागीर, इस बार अच्छी लेंथ है, गुड लेंथ डिलीवरी, आसान से पड़ा और सम्मान दिया गेंद को दिनेश। हेलो, अच्छा मुकाबला बनेगा दोस्त। हाँ भाई दिनेश, कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी दोनों टीमों के बीच। एक बार फिर से ओहो लो फुल टॉस लेग साइड में, दिशा से बटके वाइड गेंद,
एक्स्ट्रा बॉल, जैसे कि हमारे दिनेश भाई कहते हैं, दिशा से भटका तो पड़ा फटका, किंतु इस बार फटका से बच गए भाई। स्कोर बढ़ता हुआ राधे श्याम। अगली गेंद ये लीजिए, एक और लेट कटे स्लिप और गली के बीच से निकाला है गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होगी तब तक इन दो रन मिल जाएंगे दोस्त। इन दो रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है वो 11 रन दोस्तों। एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टारगेट है दोस्तों वो 125 रनों का। जीतने के लिए 114 रन चाहिए। अब कौन जीतता को सोनू प्रेडिक्शन आप दीजिए दोस्त। जितने भी साथी लाइव में जुड़ रहे हैं मेरे साथ है। सेकंड ओवर मनदीप डालेंगे दोस्त अपने कोटे का प्रथम ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर डालेंगे। सामना करेंगे बेटू नहीं कानू खेलेंगे। जैसा कि मेरे उदय भाई ने बताया कल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 80 रन बनाए थे भाई इस भाई ने सेमीफाइनल मुकाबले में। ये लीजिए पहली गेंद शॉर्ट गेंद पड़ा और जड़ा चौका। शॉर्ट लेंथ थी काफी बाहर फेंकी थी आसानी से धकेला चौका मिल गया भाई कवर के ऊपर से। अब 110 रन क्या हो सकता है दोस्तों 83 गेंदों में। जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो ही मुकाबले को जीतेगी भाई। जो टीम अच्छा खेलेगी अच्छा प्रदर्शन करेगी इस मुकाबले में जो कि काफी बड़ा मुकाबला है हाई वोल्टेज मुकाबला है। एक और एज लगा वहां पर और बॉल दौड़ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और निश्चित 4 रन देकर जाएगी। तो दो लगातार बाउंड्री हासिल की है काना ने। कल जबरदस्त इनिंग खेली थी काना ने 80 रनों की डाना के खिलाफ में। उसी इनिंग की दोबारा से शुरुआत कर चुके हैं। 8 रन अपना निजी स्कोर और टीम का पहुंचा दिया स्कोर 19 रन दूसरा ओवर प्रगति में। अब 83 गेंदों में 106 रन क्या सकता है। ज्यादा बड़ा टारगेट सेट नहीं किया भाई 15 ओवरों का है मुकाबला लेकिन बड़ा मुकाबला है तो निश्चित दबाव दोनों ही टीमों पर रहेगा और जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो इस मुकाबले को जीतेगी भाई। दोस्त टोटल स्कोर है वो टारगेट दिया था 125 रनों का। यहाँ पर ऐज लगा है गेंद कीपर के ग्लव्स में समा गई भाई। पहला विकेट कानू के काना के रूप में आ चुका है भाई पिशिश चिरावा का। कट लगाने की कोशिश में थे स्लिप के पास से गेंद को धकेलना चाहते थे सफल नहीं हुए। ऐज लगा और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई और पहले विकेट का पतन 19 रनों पे आ चुका है दोस्त। अब न्यू बैट्समैन सहवाग आ चुके हैं दोस्त। अमित कुमार नाम है सहवाग के नाम से फेमस है ये बल्लेबाज। एक नंबर जर्सी और सामना करेंगे अमित का दोस्त। तो अमित वर्सेज अमित कुमार मुकाबला रहेगा इस गेंद पर। अब पहले विकेट का पतन यहाँ काना के रूप में आ चुका है दोस्त चिड़ावा को। ये लीजिए एक और शानदार डिलीवरी अमित 22 नंबर जर्सी भाई। आगो अमित इस साल जांगड़ा। एक बार फिर से अमित वर्सेज अमित हल्के हाथों से खेला सिंगल चाहते थे सामने से बीटू ने मना किया दोस्त। दो ओवर की समाप्ति 19 रन हो चुके हैं। हाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन जीत क्रिकेट की होगी। ये अच्छी लाइन बोली भाई हमारे दिनेश वारिसपुरा भाई ने थैंक यू भाई। जो टीम बेस्ट दिखाएगी वो ये 21,000 इनामी राशि वाला टूर्नामेंट अपने नाम करेगी दोस्त CPL 2023। चेयरमैन ओम प्रकाश हजारी लाल सैनी मेमोरियल सेवा संस्थान चिड़ावा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता जिसको हम शॉर्ट में बोले तो CPL ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट है। 21,000 इनामी राशि वाला टूर्नामेंट है। आज इसे मुकाबले का फाइनल मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला ओस्टो वर्सेज पीसीसी चिड़ावा का।
इस बीच राधे श्याम ने अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए, टीम की ओर से तीसरा ओवर डालेंगे। पहली गेंद पर हल्के हाथों से बिटू कवर के ऊपर से कहना चाहते थे, सफल नहीं हुए दोस्त। इस बार पैड लाइन पे गेंद डाली, पड़ा और जड़ा चौका, निश्चित चौका मिल गया दोस्त। यहाँ 23 रन हो चुके हैं, जीतने के लिए अब 102 रन चाहिए 76 गेंदों में। लाइव दर्शकों की संख्या भी मेरे पास 450 पहुंच चुकी है दोस्त। अब आप चौके और छक्के पर एक एक शेयर जरूर कर दे दोस्त। आज इस मुकाबले में हमें 1000 दर्शक पहुंचाने हैं आपके सहयोग से कैसे भी, तो आप मुकाबला शेयर करते रहे। यहाँ बस एक और चौका आ चुका है दोस्त, कवर के पास से धकेला है गेंद को, एक और चौका, 27 रन हो चुका है स्कोर। अब जीतने के लिए 98-98 रन चाहिए भाई। लोग आजकल फंटी से खेल दिखा रहे हैं भाई, ये बिटू है, बिटू जांगेड़े और पृथ्वी जांगेड़े अपना बैट से कमाल दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको। शानदार कवर ड्रिवायु पेडल स्वीप किया, शानदार बैटिंग राधे श्याम, दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 19 रन खर्च कर दिए हैं। अभी भी गिरधारी जाट हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई। ओहो इस बार उड़ाना चाहते थे कवर के ऊपर से, तो यहाँ पर एक और विकेट का बंधन हो चुका है दोस्त। यहाँ पर दोस्तों यहां पर दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, जो बिट्टू जांगिड़ पृथ्वी जांगिड़ थे वो आउट होकर जा चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा विकेट झटका यहां पर चिड़ाव की टीम का, लेकिन इनके तर्कश में अभी और भी तीर बाकी हैं, देखना है क्या होता है। आप न्यू बैट्समैन आए हैं, विजेता कौन है दोस्तों, आप मुकाबले को शेयर करते रहे दोस्तों। जीतने के लिए 98 रन चाहिए 73 गेंदों में। तीसरा ओवर चल रहा है अभी, पंकू आए हैं 33 नंबर जर्सी, हार्दिक पांड्या फैन, राम राम भाई, सुनील गुर्जर खसाना। 27 रनों पे दूसरे विकेट का पतन यहाँ बिट्टू के रूप में हो चुका है दोस्त। राधे श्याम को पहली विकेट मिल चुकी है, शानदार डिलीवरी इस बीच। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 27 रन, 2 विकेट। यहाँ जो टीम के समर्थक हैं वो जोश में हैं, कोई दोस्त 27 रन 2 विकेट, 3 ओवर की समाप्ति, 72 गेंदों में 98 रन चाहिए जीत के लिए। पिशी चिड़ावा को चाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई। अब अगला ओवर लेके आएंगे अमित, सामना करेंगे अमित कुमार सहवाग। 27 रन, 9 की रन रेट से बन रहे हैं। विकेट कीपर है ये भी, 01 जर्सी, सहवाग है ये भी 01 जर्सी, देखते हैं कौन सी जर्सी कमाल करेगी। और यहाँ पर एक और विकेट का बदल हो चुका है दोस्त, यहाँ पर एक और विकेट का पतन हो चुका है। 15 ओवरों का मैच है दोस्तों, तीसरे विकेट का यहाँ पर पतन हो चुका है। चौथे ओवर में 3 विकेट यहाँ पर ले चुके हैं, चौथा ओवर अभी चल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त, नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्रिकेट बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है दोस्तों। तीसरे विकेट का पतन हो चुका है, सहवाग भी अब डगआउट में जा चुके हैं, बरकरार रखना पड़ेगा। अब आए हैं नवीन गुरजी और पोस्ट की टीम की अच्छी फील्डिंग, राजेश मेघवाल। ओके भाई थैंक यू। और अमित को 2 विकेट मिल चुके हैं दोस्तों इस महा फाइनल मुकाबले में। 3 विकेट गिर चुके हैं अमित वर्सेज नवीन गुरजी के बीच मुकाबला रहेगा दोस्त। आप मेरे साथ बने रहे, आपकी संख्या 500 से ऊपर हो चुकी है, आप मुकाबले को शेयर करते रहे दोस्त।
ये लीजिए, यहाँ पर एक सीधा कैच था, कैच ड्रॉप हो चुका। ये बोलेंगे कि हाथ तो आया किंतु मुंह नहीं लगा। दोस्त टूर्नामेंट चल रहा है दोस्त चिड़ावा में, झुंझुनू में, और जो फाइनल मुकाबला है ये पीसीसी चिड़ावा वर्सेज ओस्टू का महाफाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला। सत्तर गेंदों में 98 रन की जरूरत है। राहुल आउट, नहीं भाई राहुल नहीं है अभी तक। अजय मीणा इस बार गेंद को धकेला है, धीरज पीछा कर रहे हैं गेंद का, गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है। दूसरा रन नहीं होगा दोस्त, सिंगल से संतुष्ट करने पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस सिंगल के साथ स्कोर है वो अब 28 पे पहुंच चुका है। 73 गेंदों में अब 97 रनों की जरूरत पीसीसी चिड़ावा को जीतने के लिए। अब अमित का सामना करेंगे पंकज। दोस्तों एक और विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर। अब पंकज है वो आउट होकर जा चुके हैं दोस्त। राहुल जिता देगा दोस्त। यहाँ पर चार विकेट हो चुके हैं, प्रेशर में आ चुकी है पीसीसी चिड़ावा की टीम। जी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ है, दबाव में है भैया चिड़ावा की टीम, और अब आए हैं चिड़ावा के स्टार बल्लेबाज राहुल सैनी, और साथ में रहेंगे नवीन गुरुजी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दर्शकों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके का जोश आप भी दिखाएं शेयर करते हुए। हमारे जितने भी लाइव दर्शक हैं उनको बढ़ाएं आप, या फिर आप सभी तक शेयर करते हुए इस मुकाबले को पहुंचाएं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक की जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो साथी हैं इस बेहतरीन मुकाबले का आनंद उठा सकें। आज का हूं मैं आप सभी के बीच में, सभी का हार्दिक धन्यवाद जो भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। लगभग 500 के आसपास हमारे दर्शक अभी लाइव में हैं। अब भाई राहुल सैनी आ चुके हैं, ये जो टक्कर है वो नीरज ओस्टू और राहुल सैनी की है, बड़े नाम है सिकावाटी क्षेत्र के। और ये लो भाई पहली गेंद को उड़ा दिया है राहुल ने, जबरदस्त शॉट राहुल के बल्ले से निकला है ये 6 रन के लिए, और इसी 6 रन के साथ में अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 34 रन है। राहुल भी गयो अनिल नेहरा, मामा जी बता रहे हैं, देखते हैं, ये राहुल का होम ग्राउंड है मामा जी, और अभी तक कोई ज्यादा बड़ी पारी आई नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज फाइनल मुकाबले में कुछ बड़ी इनिंग देखने को मिल सकती है। राहुल के द्वारा वहां पर कोशिश की थी राहुल ने एक और लंबा हिट लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाए। नाइस बैटिंग बर्त रश राणा, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजनकर्ता की टीम। टूर्नामेंट से बाहर होगी क्या आयोजनकर्ता की टीम? जाट जाट भाई ये टीम ही है, आयोजनकर्ता की तो नहीं कहेंगे, ये चिड़ावा की टीम है। ये लो भाई घोषणाएं भी बहुत शानदार हुई है। नदीम घोड़ीवाला जुड़ चुके हैं हमारे साथ है। दौड़ी घोड़ीवाले नदीम, बहुत बहुत स्वागत है नदीम भाई आपका राज क्रिकेट फीवर पेज पर। फाइनल मुकाबला लाइव दिखा रहे हैं आपको चिड़ावा ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता से, चिड़ावा बनाम ओस्टू के बीच में है मुकाबला। ये पहले बैटिंग करते हुए ओस्टू की टीम ने, जिसमें बहुत ही शानदार बैटिंग की थी नीरज जी ने, 35 गेंदों का स्ट्राइक थे, 32 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए थे, और अब राहुल पर काफी निर्भर रहेगा ये मुकाबला। नवीन गुरु स्ट्राइक देना चाहेंगे राहुल को। अजय बन्ना जुड़े हुए हमारे साथ, राहुल हौसला अफजाई करते हुए, काफी अच्छी संख्या में दर्शकों की तादाद मौजूद है ग्राउंड में, इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। ऑनलाइन में भी काफी ज्यादा संख्या में दर्शक मौजूद थे हमारे साथ, कुछ समय पहले 700-800 के आसपास में हमारे साथ इस ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हमारे साथ हमारे भाई बंधु जुड़े हुए थे, जो कि अभी सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई, 4 विकेट गवा चुकी है टीम। निव्या की बोल है भाई, और ये है टीम के कप्तान राधेश्याम जो अभी बोलिंग कर रहे हैं। अभी नीरज के 3 ओवर बाकी है दोस्तों, एक बड़ा एडवांटेज ये है ओस्टू की टीम के पास में कि नीरज के 3 ओवर बचे हैं, एक अनुभवी गेंदबाज ओस्टू की टीम के लिए अभी 3 ओवर करवाने शेष है नीरज के। राहुल सैनी पर भी दबाव रहेगा भाई निश्चित ही, एक बड़ा मुकाबला है, और
जीत और हार का अंतर होगा ये बल्ले शिव के हाथों में। चोट बहुत ही अच्छा था वहां पर वीरू थे और वीरू अच्छी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। जोश काफी देखने को मिल रहा है और उसके खिलाड़ियों में। ये देखिए आप, ये देखिए भाई, नोक झोंक वाला मुकाबला है। ये देखिए जो दर्शक है पहुंच चुके, वो भी लगातार हुटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए। बड़ा विकेट गवा चुकी है टीम चिडावा की। राहुल सैनी आउट हो चुके हैं और नीरज के 3 ओवर अभी शेष हैं दोस्तों। अब आएंगे बैटिंग करने के लिए सन्नू, ये भी ओज से बिलोंग करते हैं लेकिन आज चिडावा की टीम में खेल रहे हैं। देखते भाई सन्नू क्या करते हैं इस मुकाबले में। जो टीम जीतेगी वो 21,000 रुपए इनामी राशि की दावेदार होगी और जो उपजीता टीम रहेगी उसको 11,000 रुपए की इनाम दी जाएगी। ये फाइनल मुकाबला है आप सभी के बीच में लाइव। 600 के आसपास हमारे साथी पहुंच चुके हैं। राहुल सैनी आउट हो चुके हैं। बड़े विकेट जो गए हैं वो कन्ना, राहुल और बिट्टू भाई जी, 3 बड़े विकेट गंवा चुकी है टीम। उसके बाद में भी काफी अच्छी बैटिंग है इस टीम में। अभी सोनू आए हैं, ये भी लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है सोनू। कल भी अच्छे शॉट इनके द्वारा देखने को मिले थे। रोहित मीणा बिल्कुल सोनू भाई को राम राम बोल देंगे। एक बार सोनू को बैटिंग करने देते हैं। 2 विकेट हासिल किए हैं राधे श्याम ने। 3rd ओवर है इनका, ये अंतिम ओवर। सोनू हमारी होस्ट की टीम का विभीषण है, प्रमोद मीणा माही बिल्कुल ये विभीषण और ये उपाधि आपने दे दी है तो सोनू को पहुंचा देंगे हम ये। बाकी इसको पता ही है भी हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे होस्ट वाले। ये होस्ट की टीम में खेलते हैं और आज चिडावा की टीम में खेल रहे हैं। लेकिन तो 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब 60 गेंदों में 90 रन की आवश्यकता है। वापसी कर चुकी है टीम, हो चुकी 5 विकेट बड़े विकेट हासिल कर चुकी है। आधी टीम पवेलियन में भेज दी है चिडावा की। चिडावा की टीम काफी स्ट्रांग टीम है जिसमें नवीन गुरुजी, राहुल सैनी, बिट्टू भाईजी, कन्ना, सोनू और लील है बड़े नाम। पवन जंगिड राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। मुकाबले को जरूर शेयर करें, एक बेहतरीन मुकाबला। और इस मुकाबले में आपको नोक झोंक भी देखने को मिल सकती है जब नीरज आएंगे। नीरज ने अच्छी बैटिंग की थी पहली इनिंग में जब होस्ट की टीम में धराशायी हो गई थी। 5-6 विकेट जा चुके थे उस समय, टीम को आकर संभाला। 70 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली, पारी खेली और उसी पारी की बदौलत होस्ट की टीम 15 ओवरों में 125 रन तक पहुंची और शानदार फिर बॉलिंग देखने को मिली है। चिड़ाव पर प्रेशर बढ़ाया है, 5 विकेट भी हासिल किए हैं। अच्छी शुरुआत की थी बिट्टू भाई जी ने, बिट्टू जंगड़ ने ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं बल्लेबाज। कोई भी बल्लेबाज टिक करने के लिए काना भी इसी लय में खेलते हुए नजर आए। 2 चौके लगातार काना ने हासिल किए थे, उसके बाद में कैच थमा बैठे और जो दूसरे विकेट का पतन हुआ था वो हुआ था बिट्टू के रूप में। उन्होंने भी 2 चौके लगाए थे, उसके बाद में कैच आउट हुए। नवीन गुरु जी है स्ट्राइक पर, ये बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं लेकिन बैटिंग भी काफी कर लेते हैं ग्रामीण क्रिकेट स्तर पर। तो तो जीत के फैसला लिया लेकिन नीरज ने शानदार बल्लेबाजी की और एक कैच जो अस्कर खान भाई नीरज जैसा किसी का पता नहीं हो इस टाइम के अंदर। सचिन डुमोलिया राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, जुड़े रहे साथ। 639 दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके भाई। 1,000 का टारगेट है आप सभी के लिए इस फाइनल मुकाबले में। इस बड़े मुकाबले में कम से कम 1,000 दर्शक लाइव में होने जरूरी है। ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, ये जो टीम जीतेगी वो 21,000 रुपए की इनामी राशि की दावेदार होगी और 11,000 रुपए सेकंड स्थान पर रहने वाली टीम को दिए जाएंगे। 5 विकेट गवाकर दबाव में है चिडावा पीसीसी क्लब।
बल्लेबाजी, लेकिन तीन ओवर से अभी नीरज के, ये बड़ा खतरा चिड़ावा के लिए। आज 2023 का फाइनल ये गेंद इस बार लोगों पे गेंद को धकेला है सिंगल के लिए, सिंगल तो मिल जाएगा दोस्तों आसानी से। छह ओवर की समाप्ति, 38 रन हो चुके हैं, आधी टीम है वो डगआउट में जा चुकी है पिछली सिरावा की दोस्त। अब 54 गेंदों में 87 रन चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों और साथ साथ में मुकाबले को शेयर भी करते रहे। दोस्तों 6 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 38 रन लगे हैं बोर्ड पर अभी तक। राजकुमार तेतरवाल, राम राम भाई, भूपेंद्र पायल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन डोबोलिया, राम राम भाई। तो सोनू है वो 4 गेंदों में 1 रन पे खेल रहे हैं, नवीन कुमार है वो 9 गेंदों पे 4 रनों पे खेल रहे हैं, अमित है उन्होंने काफी कसी हुई गेंदबाजी की, 3 ओवर में 18 रन 3 विकेट। ये जो नवीन कीपर है वो बिजली विभाग में है क्या पूछना। सचिन बुडानिया नवीन कीपर नहीं है भाई, कीपर है वो विजय है, 0-1 जर्सी। 7वां ओवर लेके आए हैं उमेश कुमार, अपने कोठे का प्रथम ओवर डालेंगे, शायद टाइगर नाम से फेमस है खिलाड़ी। पहली गेंद लॉब फुल टॉस, सिंगल के लिए धकेला, सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर है वो हो चुका है 39। ये शायद मेरे गांव में थे पावर हाउस में काजरा। ओके भाई थैंक यू। एक बॉलर के 3-3 ओवर भाई, ये लीजिए इस बार गेंद को धकेला है लॉन्ग ऑन में सोनू ने, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। प्रकाश गुजर नीम सर से विकेट बचाने चाहिए। हाँ भाई आधी टीम है वो डगआउट में जा चुकी है पावर हाउस में, चेतन बता रहे हैं भाई। इस बार गेंद नीचे रही और पड़ा वो जड़ा छक्का, नवीन के बैट से छक्का आ चुका है दोस्त। यहाँ पर अपनी टीम पे जो प्रेशर लगा है वो कुछ है, वे हद तक राहत मिलेगी उनको छक्के के साथ। इस छक्के के साथ 46 रन हो चुके हैं और नवीन है वो 11 पर पहुंच चुके हैं। अब उमेश कुमार वर्सेज नवीन कुमार, 51 गेंदों में 79 रन चाहिए। आफरीदी खत्री हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो स्वागत है दोस्त एक बार फिर से। उमेश कुमार लेफ्ट आर्म बॉलर है, बॉल लाइन डिलीवरी लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला है, नीरज खड़े हैं वहां, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। सिंगल के साथ 47 से पहुंच चुकी है पीसीसी चिड़ावा की टीम। सचिन डुबोलिया बता रहे हैं सोनू अगर 6 मारते हैं तो 500 रुपए उनकी तरफ से इनाम की घोषणा रहेगी। ओके भाई हल्के हाथों से खेला है, मिड विकेट की ओर सिंगल ही मिलेगा दोस्त। 7 ओवर प्रगति पर 48 रन हो चुके हैं दोस्त, इस ओवर में अभी तक एक छक्का आया है, 10 रन आ चुके हैं। एक बार फिर से नवीन, ओहो फिर से नीचे रही गेंद, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। इस सिंगल के साथ स्कोर है वो पहुंच चुका है 49 लॉट्स ऑफ 5 विकेट 7 ओवर कंप्लीट दोस्त। पूरे ओवर खेलेंगे तो फाइनल पीसीसी के नाम होगा, प्रकाश गुजर बता रहे हैं। जमीन भाई के लिए काना स्वामी दोस्त, 7 ओवर हो चुके हैं, 49 रन बने, शायद कुछ गेंद चेंज करने की मंत्रणा रहेगी और गेंदबाजी का जीमा है वो है नीरज शर्मा के कंधों पर। आज इनकी शानदार बैटिंग के बदौलत 124 बनाए हैं ओस्टू ने, 31 गेंदों में 70 रन बनाए थे संजय यादव। संजय यादव बता रहे हैं नीरज अब कुटेगा। और पहली गेंद, ये लीजिए पहली गेंद
दिशाहीन गेंद वाइड हो चुकी है। योगेश स्वामी हेलो दोस्त, स्वागत है योगेश आपका। पहली गेंद वाइड हुई, 50 रन हो चुके हैं यहाँ पर 7 ओवरों में, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार वाइड लेंथ पर डिलीवरी डाली थी, सिंगल के लिए खेलना चाहते थे। पॉइंट पे खड़े टोनी ने गेंद को फील्ड किया, इसने गुर्जी का किया था। हाँ भाई, गुर्जी के एक ओवर में शानदार चौके छक्के लगाए थे और धकेल दिया है। गेंद जा रही है 6 रनों के रूप में, तो संजय भाई ने बोला था वैसा ही हो गया दोस्त। यहाँ पर दूसरी गेंद पे छक्का आ गया भाई, नहले का डेला। अब देखते हैं अगली बच्ची 4 गेंदों में नीरज की क्या हाल करते हैं भाई। नवीन एक तो आ गया, सही बोला भाई संजय आपने। एक बार फिर से नीरज सामना करेंगे संजय, नवीन सॉरी। हल्के हाथों से खेला, कवर की साइड में सिंगल मिल गया। अब स्ट्राइक पे होंगे सोनू, एक और आ सकता है संजय बता रहे हैं। ओके भाई, अब जीतने के लिए 68 रन चाहिए 45 बची हुई गेंदों में। 57 हो चुके हैं दोस्त, 68 रन का और सफर तय करना है पीसीसी चिड़ावा को। सोनू राम राम भाई, अब नीरज का सामना करेंगे सोनू। ये लीजिए, हल्के हाथों से गेंद को खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए दोस्त। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, उछाल भरी गेंद, सचिन बुडानिया आउट बता रहे हैं दोस्त। देखते हैं विकेट होगा, विकेट होगा। आप मेरे साथ सभी भाई बने रहे और मुकाबले को साथ में शेयर भी करते रहे आप। एक और उछाल भरी गेंद, शरीर से टकराई, शरीर में गई, सिंगल मिल गया। इस सिंगल के साथ स्कोर है वो पहुंच चुका है अबे 58 रन। वक्त की यारी हर कोई करता है मेरे दोस्त, मुझे तो जब है जब वक्त बदल जाए और दोस्त ना बदले। वाह वाह राकेश शर्मा आसाम, क्या लाइन डाली आपने, थैंक यू। 8 ओवर है, 58 रन, 5 विकेट, 42 गेंदों में 67 रन चाहिए जीतने के लिए पीसीसी चिड़ावा को। गजब बॉलिंग कर रहे हैं भाई नीरज। हाँ भाई सोनू, राकेश शर्मा के लिए थैंक यू। हाँ भाई योगेश स्वामी, काफी अच्छी लाइन डाली यारी दोस्ती के लिए राकेश शर्मा ने हमारे कमेंट में। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों और साथ में आप मुकाबले को शेयर भी करते रहे दोस्तों। महाफाइनल मुकाबला है सीपीएल 2023 का, इस टूर्नामेंट का आज समापन हो जाएगा दोस्त। दो जनवरी से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, सॉरी दोस्त 12 तारीख से इस टूर्नामेंट का, 11 कैच कंफर्म कर दी दोस्त, 11 को हुआ था इस टूर्नामेंट का आयोजन। और आज दिनांक 22 जनवरी, कल सुभाष चंद्र बोस जयंती रहेगी, उससे एक दिन पहले इस टूर्नामेंट का समापन हो जाएगा दोस्त। फाइनल मुकाबला चल रहा है पीसीसी चिड़ावा वर्सेज ओस्टू का। ओस्टू ने पहले खेलते हुए 24 रन बनाए थे, 125 का टारगेट दिया था दोस्त, इसमें 58 रन हो चुके हैं चिड़ावा के, 5 विकेट 8 ओवरों में। उमेश कुमार टाइगर आए हैं नेक्स्ट ओवर अपने कोठे का दूसरा ओवर, टीम की ओर से 9 ओवर डालेंगे। सोनू को तेज खेलना पड़ेगा, प्रदीप सोरान बता रहे हैं, दिनेश भाई बता रहे हैं मैच फंस गया दोस्त। हाँ भाई 45 गेंदे 67 रन, अब 41 गेंदे और 65 रन चाहिए दोस्त। यहाँ एक छोटी सी मिसफील्ड हो गई, उसका फायदा एक और रन मिल गया चिड़ावा को। लोकेश सोरान थैंक यू भाई, आप हमारे तेज राज क्रिकेट फेवर को सपोर्ट और हॉट स्पॉट करते रहे दोस्त, और साथ में आप मुकाबले को शेयर भी करते रहे। योगेश स्वामी जल्दी करो, किस बात की जल्दी करवा रहे हैं भाई आप,
60 रन हो चुका है स्कोर। ओहो टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही, बैट पे नहीं आई, पैड से टकराई। अगर रन गति बढ़ती गई तो काफी परेशान हो सकता है। 40 गेंद 65 रन। फिर से हल्के हाथों से खेला है, सिंगल की कोशिश है वहां पर, सोनू ने मना किया भाई। अच्छा किया नहीं, यहाँ तो सुसाइड रन आउट हुआ था भाई। स्कोर दोस्त 60 हो चुका है, 39 में अबे 65 चाहिए, 125 रनों का पीछा करने उतरी है भाई योगेश पीसीसी चिड़ावा की टीम। दुआ करते हुए चिड़ावा के लिए, जो चिड़ावा के प्रसन्न के बैठे हैं, लगभग 35 बड़ा बहुत ज्यादा दबाव रहेगा और दबाव में मुझे लगता है बिखर जाएगी अब टीम। नहीं भाई अभी क्रिकेट में हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, काफी मैच देखे हैं स्टार खिलाड़ियों के लास्ट गेंद तक मुकाबला फंसा है, किंतु जो आपने लाइन बोली है वो लाइन काफी अच्छी है। हाँ ये बात अच्छी बोली, पीछे इतने वो खिलाड़ी नहीं बचे अब भाई। सत्तू कुमावत ये मुकाबला चल रहा है चिड़ावा कॉलेज ग्राउंड से झुंझुनू चिड़ावा में, सवार स्टेट ड्राइव है सोनू की, वहाँ नीरज खड़े हैं, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। इस सिंगल के साथ अब स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 61 रन हो चुका है, 37 गेंदें बची हैं, टारगेट अब 64 का बचा है भाई। पहाड़ जैसा लक्ष्य तो नहीं बोलेंगे किंतु अच्छा टारगेट दिया था ओस्टू ने। ये लीजिए बाहर लेन डाली, वहाँ फील्डर थे मिस फील्ड कर बैठे दोस्त, किंतु अवश्य अपनी टीम के लिए उन्होंने 3 रन बचाए हैं भाई। खड़े खड़े हाथों में कह चाहे था, थोड़ा सा डाई लगा बैठे, उस वजह से थोड़ा सा एफर्ट खराब हो गया उनका और कैच ड्रॉप हो गया नवीन गुरजी का। 800 दर्शक लाइव में होने चाहिए, शेयर करें दोस्तों इस मैच को। हाँ सही बोला आपने, आप मुकाबले बने रहे और मुकाबले को शेयर करते रहे, जितने भी हमारे तमाम साथी सारे ग्रुपों में शेयर कर दे दोस्त। सोनू ही है मैच हरवा देगा, नहीं भाई प्रदीप 13 गेंदों में रुक कर खेल रहे हैं, एक तरह विकेटों का आप लगातार विकेट जा रहे हैं इसलिए वो रुक कर खेल रहे हैं। इस बार गेंदबाजी करेंगे टोनी, सामना करेंगे नवीन, इनको पिछली गेंद पर जीवनदान मिला है भाई, इस जीवनदान का कितना फायदा उठाएंगे। किंतु जो गेंदबाज है वो नवीन जब तक क्रीज पे रहेगा वो खिलाड़ी तड़पेगा भाई। टाइगर ने जाल बिछाया था, वाइड लेंथ पे डिलीवरी डाली थी, जाल बिछा लिया था, मछली जाल में फंसी नहीं, वहां पर कैच ड्रॉप कर गए भाई, तो वो फील्डर अब जब नवीन क्रीज पे रहेंगे तड़पेगा। इस बीच हल्के हाथों से खेला, वहां फील्डर खड़े थे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, 35 गेंद 63 रन चाहिए अब। ये लीजिए इस बार लॉन्ग ऑफ में पकड़े गए भाई नवीन गुरजी, एक और विकेट का पतन हो चुका है यहाँ पर। अब नवीन गुरजी है वो 20 गेंदों में 20 रन बनाकर डगआउट की ओर जा रहे हैं दोस्त, तो एक और विकेट का पतन यहाँ पर, 6 विकेट का पतन। धोनी के 3 6 फिक्स है भाई, रोहित मीणा नहीं, यहाँ विकेट आ चुका है दोस्त धोनी के ओवर में नवीन गुरजी का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, सफल नहीं हुए, पकड़े गए नीरज शर्मा के। 10वां ओवर प्रगति पे है, 65 रन बने हैं, 6 विकेट गवा बैठी है चिड़ावा पीसीसी की टीम। 125 के लक्ष्य को पार जैसा बना दिया, अच्छी गेंदबाजी। दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से जो कमेंट्री हो रही है वो भी काफी शानदार कमेंट्री हो रही है, आप उसका भी लुत्फ उठाइए दोस्तों। 34 गेंदे 63 रन चाहिए अब। दोस्तों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ चिड़ावा स्टेडियम, आप भी मेरे साथ जुड़ जाए और आज 1000 दर्शक जुड़ जाए लाइव में, मजा आएगा दोस्त मुकाबले में। रोहित को बता रहे हैं प्रमोद माही, 11 जारी घोषणा भी दे रहे हैं वो हनुमानगढ़। राहुल आउट हो गए क्या? हाँ भाई प्रवीण सिंह, राहुल सैनी आउट हो चुके हैं एक छक्का लगाने के बाद में, अब आए हैं बंटी। पहले गेंद को खेला है,
लॉन्गों की दिशा में, वहाँ नीरज है, सिंगल ही मिलेगा दोस्त। इस सिंगल के साथ स्कोर है वो पहुंच चुका है अब 63 रन, 6 विकेटें, 10वां ओवर प्रगति पे है, 33 गेंदें, 62 रन जीतने के लिए ये महाफाइनल मुकाबला खिडावा को। सही बोला भाई पीके अमित शर्मा। अब सोनू सामना करेंगे टोनी का। फुल टॉस लेग साइड में गेंद अकेला है, वहां अमित खड़े हैं, सिंगल मिल जाएगा भाई। देखते हैं क्या सोनू की। थोड़ी देर के लिए आप जो कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री हो रही है उसका भी मजा लीजिए दोस्तों। समझ में आती हुई चलता है, लेकिन अगली गेंद अच्छे प्लेयर सोनू में जानता हूँ, नीरज की तरह एक ओवर में 4 हिट लगा सकते हैं सोनू, और अगले ओवर से लगाने भी होंगे क्योंकि मैच जब अंतिम ओवर में जा चुका है। आज का ये मेगा फाइनल 2023 जब जमाती ट्रॉफी और 33,000 रुपए नगद 21। अगली गेंद तो दोस्तों 10 ओवरों की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 65 रन लगे हैं बोर्ड पे, 6 विकेटों का पतन हो चुका है चिड़ावा का, 30 गेंदों में 59 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, और ओस्टू को 4 विकेट। अरुण डागर नहीं खेल रहा है क्या? टुडे मैच विनर बंटी सोनू, शिवम योगी, योगेश 59 रन चाहिए 30 गेंदों में 59। अब नेक्स्ट ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं नीरज शर्मा, सामना करेंगे सोनू और टीम की ओर से डालेंगे 11वां ओवर। 30 गेंदें बची है दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहे और मुकाबले को शेयर करते रहे दोस्तों। नीरज वर्सेज सोनू का इस गेंद में मुकाबला रहेगा। ये लीजिए पहली गेंद को उड़ाया है, तारा मंडल के दर्शन करा दिए भाई यहाँ पर, छक्का आ गया, शानदार डिलीवरी थी, छक्का मिल गया भाई और चिड़ावा को और सोनू को दोस्त। यहाँ पर छक्के के साथ 72 रन हो चुका है, जीतने के लिए आप 53 रन चाहिए। जैसा कि योगेश स्वामी ने बोला था सोनू अच्छा खेलता है, उसी के तर्ज पर छक्का लगाया भाई। फिर से उड़ाने की कोशिश, इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद भाई, नीरज आउट करेगा इस ओवर में, देखेंगे भाई विकास शर्मा। वाह सोनू लगाओ 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 भाई, और आप शेयर करो दोस्तों शेयर करो। इस बार देखिए उछाल देखिए गेंदबाजी में भाई नीरज की, 14 ओवर नहीं भाई दिनेश 15 ओवर का महाफाइनल मुकाबला है, 27 गेंदों में 53। भाई स्टार खिलाड़ी है राजस्थान का टेनिस क्रिकेट का, तो वेरिएशन रहेगा इस गेंदबाज के पास। छक्का खाने के बाद अपने आप को कम बैक किया दोस्त, तो डॉट के बाद एक सिंगल आया है, 26 गेंदों में अब 52 रन चाहिए। अब सामना करेंगे बंटी 13 नंबर जर्सी, ओस्टू हो या पिलानी, लाओ झुंझुनो हार कर भी जीत जाना जानती है चिड़ावा टीम। ये यार मीना शानदार कमेंट भाई आपका, दोस्तों बंटी के लिए थोड़ा सा फील्ड में चेंजमेंट किया जा रहा है नीरज के द्वारा। पॉजिटिव व्यक्ति की सोच होती है कि नीरज तो बालाजी टीम में खेलता है ना। हाँ भाई आज ये अपने गांव की टीम से खेल रहे हैं ओस्टू की ओर से, क्योंकि ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट है भाई ये। भाई सोनू खेल गया तो मैच पूरा कर देगा, अभिषेक सोलंकी बता रहे हैं दोस्त। भाई आपने सही बोला, किंतु यहाँ पर गेंदे अब डॉट आ रही है तो प्रेशर बनेगा दोस्त, प्रेशर कुकर के बोलेंगे हम उसमें। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को उठाया है, चौका मिल गया भाई यहाँ पर बंटी को और चिड़ावा को दोस्त। इस चौके के साथ 77 रन बन चुके हैं पीसीसी चिड़ावा के, जीतने के लिए अब 48 रन चाहिए दोस्तों। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे अब 24 गेंदे 48 रन और एक तरफ 4 विकेट डाल देंगे अब।
अब देखेंगे अबे मुकाबला लास्ट गेंद तक जाएगा, यही तो बोल रहा हूँ मेरे लाइव साथी और ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। अबे भाई सोनू खेल गया तो मैच पूरा कर देगा, सिक्की बोल रहे हैं बिल्कुल भाई। हार्ड हिटर बैट्समैन है दोनों, ये जो आपकी स्क्रीन पर है सोनू और विक्की दोनों ही हार्ड हिटर बैट्समैन है, लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं दोनों। और एक ओवर में अगर तीन या चार छक्के लगा देंगे तो फिर मुकाबला चिड़ावा के पक्ष में भी आ सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है अब मुकाबले में। तो जुड़े रहे साथ और मुकाबले को शेयर करते रहे इस बेहतरीन मुकाबले के लिए। कम से कम 1000 दर्शक लाइव में होने आवश्यक है दोस्तों, और एक फाइनल मुकाबला है ये और एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिला है अभी तक। और हम उम्मीद करते हैं कि जोरदार टक्कर होगी, अंतिम बॉल तक ये मुकाबला जाएगा और बढ़िया क्रिकेट खेलने वाली टीम को जीत हासिल होगी। 15-15 ओवरों का है मुकाबला, तो 4 ओवर बचे हैं, 24 गेंदे शेष हैं और 48 रन की आवश्यकता, 12 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड है। और गिरवर सिंह बुहाना भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है गिरवर भाई, उदयसिंह सिंह पुहान बोल रहा हूं मैं, आपकी आईडी पर है, कई दिनों से हम मित्र भी हैं और ये हमारा चैनल है आपका, इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बुहाना से बिलोंग करते हैं बटबर, शायद आप जानते होंगे। टेनिस की बॉल से टूर्नामेंट सिर्फ मनोरंजन मात्र है, आयोजनकर्ताओं को खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ाना है तो लेदर की बॉल से टूर्नामेंट करवाएं। गिरवर भाई ऐसा भी नहीं है, अच्छी इनकम हो जाती है खिलाड़ियों को इसमें भी, और लेदर बॉल से एक रणजी में कितने खिलाड़ी खेलेंगे राजस्थान के, आप ये बताएं पहले तो। और इसमें भी अच्छी इनकम हो जाती है खिलाड़ियों की, आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा कितनी इनकम ले रहे हैं टेनिस क्रिकेट के। और भाई वहां पर विकेट का पतन होता हुआ, जबरदस्त कैच, सोनू आउट हो चुके भाई। पवेलियन की तरफ जाते हुए अच्छा खेल है और लगातार खेलते हैं, अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रखते हैं खेल कर, खेलते रहे टेनिस हो या लेदर, जो खिलाड़ी 7 विकेट हो चुके हैं, 7 विकेट हो चुके हैं, 77 रन बढ़ चुके हैं। चिड़ावा टीम हारेगी भाई, लोकेश चौरान बोल रहे हैं। लोकेश भाई देखते हैं भाई क्या होता है, जो टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो जीतेगी। अब आ चुके हैं लील, ये भी बड़े बड़े शॉटों के लिए जाने जाते हैं, तो हार्ड हिटर बैट्समैनों को पीछे बचा के रखा था लेकिन विकेट ज्यादा गवा दिए भाई। अब 7 विकेट गवा चुकी है टीम और ये दो अंतिम भरोसेमंद बल्लेबाज है इस टीम में, इन पर अब काफी निर्भर करेगा। अगर एक खिलाड़ी भी अगर तेज शुरुआत तेज बैटिंग करेगा तो बिल्कुल मुकाबले में वापसी कर सकती है चिड़ावा की टीम, नहीं तो बहुत ही मुश्किल काम रहेगा क्योंकि नीरज के भी ओवर बाकी हैं। ये एक ओवर बाकी है नीरज का, ये 12 ओवर प्रगति पे है, बस आप जुड़े रहे और मुकाबले को शेयर करते रहे, बेहतरीन मुकाबला होगा ये, काफी रोमांचक मुकाबला हमें देख रहे हो। नहीं भी मोगली अरुण डागर नहीं खेल रहा है, ये चिड़ावा और ओस्टू का मुकाबला है, ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता चिड़ावा से लाइव है दोस्तों। लेकिन सदा फील्डर के हाथों में गैप देखने होंगे, गैप देखने होंगे। दीपेन एस भाटी जुड़ चुके हैं, राम राम भाई पटवारी सिंगाना से, उदय भाई ओके पटवारी भाई राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका सिंगाना से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जबरदस्त मुकाबला ये चिड़ावा ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, आप सभी के बीच में लाइव है। अब आगे का हाल हमारे साथी आपको बताएंगे। अच्छी थैंक यू भाई, उदय भाई अपील हो रही है, देखते हैं अंपायर का क्या असर रहता है इस अपील पे। टोली और विकेट कीपर साथी खिलाड़ियों के द्वारा एक अपील की जा रही है दोस्तों, देखते हैं अंपायर का क्या फैसला आता है इस पर। और यहाँ एक और विकेट का पतन भाई, अनुराग है वो आउट होकर डगआउट की ओर जा रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पर 8वीं विकेट का पतन हो चुका है दोस्त। विकेट कितने हुए? 8 विकेट, 8 विकेट गिर चुके हैं और स्कोर
दोस्तों 19 गेंदें बची है, 48 रन चाहिए। टोनी फिर यहाँ दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 4 रन खर्च किए हैं, 3 विकेट ले चुके हैं भाई। शानदार काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्या कहना भाई टोनी तेरा। तो लाओ दायल जयपुर से स्वागत है भाई आपका भी। हारगी चिड़ावा जितेंद्र तरार बोल रहे हैं भाई। अबे दीपांशु जो कैप्टन है भाई पीसीसी के, और पहली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया है 6 रनों के लिए दोस्त। तो भाई कप्तान ने आते ही पहली गेंद को उड़ाया 6 रनों के रूप में। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में 42 रन चाहिए, ऐसे ही कुछ फायर करने पड़ेंगे दोस्त पीसीसी चिड़ावा को ये मुकाबला जीतने के लिए। 12 ओवर हो चुके हैं, टोनी के 2 ओवर हुए हैं, 10 रन खर्च किए हैं, 3 विकेट लिए। बधाइयों का सिलसिला आज चालू हो चुका है ओस्टू की टीम के लिए। 18 गेंदे 42 रन। अबे विक्की उर्फ बंटी चिड़ावा गेटिंग लॉस। राम राम भाई थोड़ी लेट हो गए पंकज यादव, कोई बात नहीं, मुकाबले मजा आएगा। पंकज यादव जुड़े रहे और मुकाबले को शेयर कर दे आप। क्या गेंदबाजी नीरज आपके द्वारा, टप्पा खाने के बाद इतनी तेज गति से और नीची रही गेंद। 17 गेंदे 42 रन। दोस्तों ग्राउंड में साथ साथ है क्रिकेट के साथ पतंगबाजी भी चल रही है, छोटों से छोटे छोटे बच्चों के द्वारा आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। एक और शानदार डिलीवरी भाई, बंटी वाइड की अपील कर रहे हैं अंपायर से, किंतु भाई एंगल बना के बॉल डाली जा रही है नीरज के द्वारा। शेयर कर दो दोस्तों सभी अपने साथियों के पास, इस मैच को पहुंचा दो, हाई वोल्टेज हाई मेगा फाइनल मुकाबला दोस्तों। 16 गेंदे 42 रन चाहिए। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं दोस्त, स्वागत है भाई संदीप। फर्स्ट बाउंस का इशारा आया यहाँ पर। 3 गेंदे शानदार काबिले तारीफ गेंदबाजी नीरज शर्मा के द्वारा। तीसरा ओवर डाल रहे हैं, कोई विकेट नहीं मिली अभी तक, किंतु 19 रन ने अपने कोटे से खर्च किए दोस्त। शानदार गेंदबाजी इससे फाइनल मुकाबले में। इस बार ब्लॉक होल भी डाली हुई डिलीवरी, बैट के नीचे के हिस्से पर लगकर यही रह गई। एक और डॉट गेंद दे थवरों में, डॉट बॉल प्रेशर और लाएंगे दोस्त चिड़ावा पर। 700 पार हो चुके हैं आप और मुकाबले को शेयर करें दोस्तों। 14 ही गेंदें बची है महा फाइनल मुकाबले की, अपील हो रही है और यहाँ पर एक और विकेट का पतन हो जाएगा दोस्त। 9वें विकेट का पतन यहाँ पर हो चुका है दोस्तों चिड़ावा का। अबे लास्ट जोड़ी बची है, 42 रन चाहिए, 13 गेंदे बची है दोस्त। आप मेरे साथ फिर से जुड़ जाएं और मुकाबले को दबाकर शेयर करें दोस्त। 13 गेंदे 42 रन, नीरज को यहाँ विकेट मिल चुकी है दोस्त। ये ओवर काबिले तारीफ डाला है उन्होंने, अभी तक इस रन से एक भी रन खर्च नहीं किया और ये विकेट लिया है, और विकेट भी है वो बड़ा विकेट था भाई, बिट्टू का था, बिट्टू नहीं जो विक्ट्री थे उनका विकेट आ चुका है दोस्त। अब लास्ट जोड़ी आई है, धीरज जांगिड़ आए हैं दोस्त, नाइस बॉलिंग सुपर बॉलिंग है पूर्ण और जमील खान के द्वारा बताया जा रहा है। ओके भाई 13 गेंदे 42 रन, मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। ये लीजिए मैडन ओवर 1 विकेट, क्या बात है, जबरदस्त बॉलिंग नीरज शर्मा के द्वारा भाई। 3 ओवर 19 रन 1 विकेट है, वो बैटिंग में जो प्रदर्शन दिखाया था वो तो बहुत ही काबिले तारीफ, 30 गेंदों में 70 रन बनाए थे भाई इस बंदे ने, और जो बॉलिंग में दम दिखाया लेफ्ट आर्म है, 3 ओवर में 19 रन 1 विकेट, वाह क्या कहना भाई नीरज आपका। तो हाँ भाई जितेंद्र फाइनल मैच चल रहा है दोस्त, महा फाइनल मेगा फाइनल हाई वोल्टेज मुकाबला दोस्त, पीसीसी चिड़ावा वर्सेज ओस्टू का भाई। और आपके पास हमने
की और जरूरत है। पिछला मैच ओवर था, मैच चल रहे हैं दोस्त, संदीप कुमार चिड़ावा से लाइव। क्या चिड़ावा कुछ कर पाएगा? चिड़ावा का कॉलेज ग्राउंड है, स्टार तो लास्ट में आया है, अभिषेक सोलंकी बता रहे हैं। टोनी अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे, दो ओवर में 10 रन 3 विकेट, शानदार विकेट। 12 गेंदे 42 रन। ये लीजिए, कप्तान ने गेंद को उड़ाया है, गेंद तारा मंडल में पहुंच चुकी है, मिल चुका है दीपांशु को छक्का दोस्त। इस छक्के के साथ स्कोर है वो अब 89 हो चुका है। धीरज अच्छी बॉलिंग करता है और अच्छा खेलता भी है। हाँ भाई राजेश, अच्छा बोला आपने, 70 रन बनाए अपनी टीम के लिए। हाँ भाई, इनाम है दोस्त, फर्स्ट प्राइज है वो 21,000 और सेकंड इनाम है वो 11,000 रुपए दोस्त। एक बार फिर से टोनी सामना करेंगे दीपांशु, लॉन्ग ऑफ में ग्राउंडेड शॉट खेला है, वहां नीरज खड़े हैं, सिंगल ही मिलेगा दोस्त। दोस्त स्कोर है वो अब 90 पहुंच चुका है, 10 गेंदे 36 रन, 35 रन चाहिए दोस्त, एक सिंगल आ गया ना। अब सामना करेंगे धीरज टोनी का, हाथों से गेंद को धकेला है वहां पर, सिंगल मिल जाएगा दोस्त। दोस्तों 9 गेंदे बची है, 34 रन चाहिए। अब टोनी का सामना करेंगे दीपांशु सैनी, 3 गेंदों में 2 छक्के लगाए भाई ने। एक बार फिर से की तरफ गेंद जा रही है, सिंगल तो मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश नहीं रहेगी भाई यहाँ पर। अब जीतने के लिए 33 रन चाहिए 8 गेंदों में दोस्त। सामना करेंगे धीरज टोनी का, ये लीजिए गेंद को उड़ाया है, नीरज नीचे आ रहे हैं, उनसे पहले गेंद गिर जाएगी दोस्त, एक और सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर। एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं टोनी, देव तारम है, सात गेंदे बची हैं, 31 रन चाहिए पीसीसी चिड़ावा को ये मैच जीतने के लिए दोस्त। दो फुल टॉस वहाँ मनदीप है, आसानी से फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन और मिल जाएगा दोस्त। तो अब 6 गेंदे बची हैं, जीतने के लिए 30 रन चाहिए भाई। यदि शुरू की 1-2 गेंदों में एक दो बड़ा हिट आ गया तो प्रेशर फिर ओस्टू की ओर, किंतु अभी जो प्रेशर है वो पीसी चिड़ावा पर दोस्त, लास्ट विकेट है, 6 गेंदे हैं, 30 रन चाहिए। स्ट्राइक पे भी दीपांशु होंगे जो कि 30, और लास्ट ओवर डालेंगे टाइगर उमेश। शुरू की 1-2 गेंदे हैं, इस मुकाबले का फैसला कर देंगे दोस्त। पहले गेंद लॉ फुल टॉस है, वहाँ नीरज है, अवश्य अवश्य अपनी टीम के लिए 4 या 5 रन बचाए भाई। विकेट जाएगी सचिन खन्ना बता रहे हैं भाई, 5 गेंदे बची हैं, 29 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर। अब हर गेंद पर एक बड़ी हिट चाहिए। अबे उमेश टाइगर का सामना करेंगे धीरज जांगिड़,
दोस्तों 5 गेंदे 29 रन। गेंद को धकेला है लोगों की दिशा में, वहां नीरज खड़े हैं। 4 गेंदे अब 28 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे दोस्तों और मुकाबले को शेयर करते रहे। ये दोस्तों क्लीन बोल्ड है, यहाँ पर ओस्टू की टीम है दोस्तों। फाइनल मुकाबला अपने नाम कर चुकी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ दर्शक है, दोस्तों ओस्टू 27 रनों से ये मुकाबला जीत चुकी है दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े रहे दोस्तों, इसके बाद भी हम आपको समापन समारोह भी दिखाएंगे दोस्त। ये देखिए शानदार जश्न का माहौल यहाँ पर हो चुके खिलाड़ियों के और दर्शकों के द्वारा। तो दोस्तों अब हमें समापन की ओर ले चलते हैं आपको। आप साथी खिलाड़ियों और दर्शकों का जश्न देख सकते हैं। ओस्टू है वो 27 रनों से CPL 2023 का खिताब अपने नाम कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी जो कमेंट्री बॉक्स है हमारा VIP बॉक्स है, हम वहाँ पे चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले बधाई हो ओस्टू कि उन्होंने इस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है।